ओके okay, सो so, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो यानी कि वन देर वर मोर देन वन पोटेंशियल शेयर्स पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स तो अपने को कैसे आ, प्रोसीड करना है हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डायलूटिव ई पी एस एंड वेयर वी हैव टू स्टॉप यानी कि एंटी डायलोटिव जब आ जाएगा तो वहाँ रुक जाना है एंटी डायलोटिव शुड नॉट बी रिपोर्टेड तो वेन देयर वेर मोर देन वन पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं तो लिखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड स्टेप्स टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग डायल्यूटिव ईपीएस डायल्यूटिव ईपीएस निकालने के लिए आपको ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं पहला बहुत सिंपल स्टेप है देखो हर एक ऑप्शंस के लिए मतलब मान लेते हैं डिवेंचर्स है प्रेफरेंस शेयर्स है आ, आपका एम्प्लॉज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ये जो सारे ऑप्शंस है तो इनमें से क्या होगा कि अपने आ, एक एक करके देखेंगे कि एक ऑप्शन के लिए इंक्रीमेंटल इनकम क्या है यानी कि पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाइज अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर पोटेंशियल uh, इंस्ट्रूमेंट uh, के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करना है कि इंक्रीमेंटल इनकम क्या होगा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर टैक्स तो आपको पहला स्टेप करना है कि इंक्रीमेंटल इनकम निकालना है नंबर वन नंबर टू इंक्रीमेंटल इनकम निकालने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल uh, जो आपको डायलिटिव uh, जो शेयर्स इशू करने हैं वो कितने होंगे एंड देन आपको कैलकुलेट करना है कि आपका ई जो है वो इंक्रीमेंटल इनकम एंड इनक्रीमेंटल जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए आपका ई क्या आता है वो आपको निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका स्टेप्स टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटिंग डायलिटिव ई तो आप पहले सबसे पहले लिखेंगे स्टेप वन स्टेप वन कैलकुलेट कैलकुलेट एडिशनल इनकम एडिशनल Income after adjustment for tax calculate additional income after adjustment for tax for each group of potential. पोटेंशियल डायलूटिव पोटेंशियल डायलूटिव शेयर्स ठीक है ना तो कैलकुलेट एडिशनल इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर टैक्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ पोटेंशियल डायलिटिव शेयर्स पोटेंशियल मतलब कि वो रियल में अभी बना नहीं है बट भविष्य में बन जाएगा इसलिए उसे पोटेंशियल बोलते हैं और उसके लिए आपको कितना इनकम में फ़र्क पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं डिवेंचर होल्डर्स है हम लोग ये एक्जाम्पल किए भी थे इसके पहले तो डिवेंचर होल्डर्स जो है उसको अपने को मान लो डिवेंचर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो यदि डिवेंचर इंटरेस्ट दस लाख के ऊपर दस परसेंट के रेट से अपने देते हैं तो एक लाख इंटरेस्ट देते हैं तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एक लाख इंटरेस्ट हमें जो है ना वो पे नहीं करना पड़ेगा तो डेफिनेटली जैसे पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो इन दैट केस अपने को अच्छी तरीके से पता है कि जब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आफ्टर दैट ये आपका इसके ऊपर जो मुझे इनकम है इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा बिकॉज यदि मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट पी में नहीं दिखाया यदि डिवेंचर इंटरेस्ट मैंने पी में नहीं दिखाया तो कॉन्सिक्वेंटली इसका इम्पैक्ट क्या गिरेगा तो बोलते हैं इसका इम्पैक्ट ये गिरेगा कि मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा एंड आई हैव टू पे टैक्स सो दैट्स वाई टैक्स का एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा तो एक लाख के ऊपर मान लो टैक्स रेट अपने थर्टी परसेंट लेकर चलते हैं तो थर्टी परसेंट यदि अपने टैक्स रेट ले लेते हैं तो थर्टी परसेंट का एडजस्टमेंट कर दीजिए और थर्टी परसेंट का एडजस्टमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका एक लाख के ऊपर थर्टी परसेंट हटा दिए तो आपका सेवेंटी uh, थाउजेंड आएगा जो अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल इनकम होगा तो बताया गया कि आप ना डिवेंचर्स के लिए जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है उसके लिए अलग से ये स्टेप अप्लाई करिए आपका यदि प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसको अलग से कैलकुलेट कीजिए आपका इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है तो उसके लिए आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है ऐसा बोला गया स्टेप टू स्टेप टू आपको यहाँ पर स्टेप टू में क्या करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल नंबर ऑफ शेयर्स जो डायलूटिव नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आपको निकालना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ई ये एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स लिखिए ज्यादा बेटर होगा लिखेंगे एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ई ठीक है टू बी इशूड टू पोटेंशियल पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब समझ गए आप कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि आपको पोटेंशियल जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है उसको कितना देना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करना पड़ेगा वो भी कुछ सब टर्म्स कंडीशंस पहले से डिसाइडेड होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना है और स्टेप थ्री होगा आपका स्टेप नंबर थ्री तो अब स्टेप नंबर थ्री में क्या होगा आप ये जो स्टेप वन है डिवाइडेड बाय स्टेप टू करेंगे यानी कि ई निकालेंगे ई फॉर एडिशनल शेयर्स या पोटेंशियल शेयर्स ईपीएस फॉर पोटेंशियल शेयर्स इक्वल्स टू होगा आपका स्टेप वन डिवाइडेड बाय स्टेप टू जो इंक्रीमेंटल इनकम आएगा एडिशनल इनकम स्टेप वन डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे स्टेप टू से डिवाइड कर दो तो स्टेप टू से आप डिवाइड करेंगे ठीक है ना स्टेप वन डिवाइडेड बाय स्टेप टू तो इससे आएगा ईपीएस फॉर पोटेंशियल शेयर्स तो दिस इज़ योर स्टेप वन डिवाइडेड बाय स्टेप टू आपका इसे ही आ जाएगा अब हमें करना क्या होता है ऐसा हम हर के लिए करेंगे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट एडिशनल इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर टैक्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ पोटेंशियल डायलोटिव शेयर्स तो आप ऐसा क्या करेंगे ना द दब स्टेप शुड बी डन फॉर ईच ग्रुप ईच ग्रुप ऑफ पोटेंशियल शेयर्स तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोट करके नोट Step one, two, three. Step one, two, and three should be applied for each class of convertible convertible financial instrument, financial instruments. तो हर क्लास के लिए ईच क्लास ऑफ फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपको करना है ये वाला स्टेप जो आपने यहाँ पर किया वो आपको हर किसी के लिए करना है ठीक है ध्यान समझती है, यहाँ पे आप मतलब ध्यान दीजिए कि अल्टीमेटली करना क्या है तो स्टेप वन टू थ्री आपको अप्लाई करना है फॉर ईच क्लास ऑफ कन्वर्टेबल फिनांसियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि प्रेफ्रेंस होगा तो प्रेफरेंस के लिए भी डिवेंचर्स होगा तो डिवेंचर्स के लिए भी और आपका इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन होगा तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए भी आपको हर क्लास के लिए यह चीज करना है इसके बाद आपको क्या करना है रैंक देना है तो स्टेप फोर स्टेप फोर जो कि आपका स्टेप वन टू थ्री हर क्लास के करने के बाद ही होगा स्टेप फोर अब इसमें जो आपने ईपीएस पर पोटेंशियल शेयर्स निकाला तो ईपीएस पर पोटेंशियल शेयर जो आप निकालेंगे तो बोलते हैं कि ईपीएस पर पोटेंशियल शेयर्स जिसका सबसे लिस्ट आपका ई होगा उसको अपने रैंक वन देते हैं क्योंकि वो ज्यादा डायलूटिव होता है तो द मोस्ट डायलूटिव शुड बी गिवन रैंक वन तो सबसे ज्यादा मतलब कि सीधी सी बात है जिसमें इंक्रीमेंटल ई आपका इंक्रीमेंटल ई जिसमें लिस्ट होगा दैट शुड बी गिवन द रैंक वन एंड रेस्ट विल बी गिवेन इन द असेंडिंग ऑर्डर तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेज फोर द इंक्रीमेंटल ई ठीक है ना इंक्रीमेंटल या एडिशनल आप यहां पे लिखेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस नहीं स्टार्ट करेंगे ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे ऐसे लिस्ट इंक्रीमेंटल List incremental EPS for potential financial instrument. List incremental EPS for uh, EPS for potential financial instrument shall be, yes, yeah, should be, should be. रैंक वन शुड बी रैंक वन एंड रेस्ट रेस्ट फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज रैंक्ड कर देंगे रैंक्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एसेंडिंग ऑर्डर में बाकी को अपने सजा देंगे बस ये करना है आपको ये हो गया आपको कि किसको पहले अपने जो डाइल्यूटिव और एंटी डायलिटिव का फैसला लेना है सीधी सी बात है जिस फिनानशियल पोटेंशियल फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट को मिलाने के बाद जिसको मिलाने के बाद यदि नीचे गिरे तो वो और मिलाने के बाद ऑप्शन जो फिनानशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको यदि हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्विटी में कन्वर्ट हो गया और मिलाने के बाद आपका ई जो है वो बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एंटी डायल्यूटिव उसको क्या बोलते हैं एंटी डायल्यूटिव और उसको अपने रिपोर्ट नहीं करते हैं वहीं पर आपका एंटी डायल्यूटिव शुड नॉट बी रिपोर्टेड तो रुक जाना पड़ेगा जहाँ तक वो डायल्यूटिव रहते हैं यही कारण है कि रैंकिंग सिस्टम करते हैं अदरवाइज आप सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन को पहले मिला देंगे तो ये तो गड़बड़ रिजल्ट आएगा इसीलिए पहले सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ता है कि भाई वन टू थ्री तीनों को हमें अपने साथ मर्ज करना है तो पहले किसको मिलाया जाए तो जो सबसे ज़्यादा डायल्यूटिव होता है जो सबसे ज़्यादा जोर से ई को गिराने वाला है जो सबसे ज़्यादा तेजी से गिराएगा उसको पहले ऐड करते इसलिए जी लिस्ट इंक्रीमेंटल ई जो आया ठीक है ना ईपीएस पोटेंशियल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड भी रैंक वन उसको अपने रैंक वन देते हैं एंड रेस्ट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर और बाकी को रैंक टू एंड थ्री एंड फोर जितना रहेगा उसके हिसाब से अपने उसको वैसे ही रैंक देते जाते हैं अब यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा तो चलिए फटाफट से एग्जाम्पल लिखेंगे आप एग्जाम्पल ठीक है तो अपने अलग अलग क्लास लिखना पड़ेगा सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इक्विटी शेयर्स कितना है तो अपने यहाँ पे लिख रहे हैं इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस टेन इंच ठीक है कितने इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो चलो ले लेते हैं अपने से वन हंड्रेड लैख शेयर्स ऑफ रुपीस टेन इंच ज़्यादा हो गया नंबर ठीक है रहने hmm. तो क्या दिक्कत है वन हंड्रेड लैख शेयर्स ऑफ टेन एच और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा कितना तो वैल्यू आएगा हंड्रेड इन टू टेन इज़ इक्व टू वन थाउजेंड तो एक हज़ार लाख रुपीज़ इन लैक्स इन लैक्स तो एक हज़ार लाख का आपके पास इक्विटी शेयर्स है अभी हम लोग तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्वेल्व परसेंट कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल शेयर्स ठीक है ना ऑफ रुपीज़ हंड्रेड इच और सौ रुपये का है और इसको अपने लेते हैं पाँच सौ पाँच सौ लाख पाँच 500 लाख होने का मतलब है कि 5 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हंड्रेड करके है तो 500 लाख हो गया टोटल अब यहां पर ये लिख देंगे यहीं पर इंफॉर्मेशन दे रहा है इच कन्वर्टेबल इनटू, इच कन्वर्टेबल इनटू, इच कन्वर्टेबल इनटू, कितना शेयर्स एट एट इक्विटी शेयर्स ठीक है इच कन्वर्टेबल इंटू एट इक्विटी शेयर्स यानी पांच लाख है और यदि अपने आठ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चालीस लाख इक्विटी शेयर्स इनको देना पड़ेगा ये पोटेंशियल हो गया एक ऑप्शन हो गया और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 500 लाख पे 12 परसेंट के रेट से हमारा क्या लगता है डिविडेंड देना पड़ता है कंपनी को तो 500 हंड्रेड लैक्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 12 परसेंट करेंगे तो 60 लैक्स का हमारा अल्टीमेटली इसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है 60 लैक्स का और एक ऑप्शन लेते हैं डिवेंचर्स का तो अपने यहाँ पर डिवेंचर्स ले लेते हैं से डिवेंचर्स है हमारे पास इलेवन परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ कितना तो बोलते हैं ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच और ये अपने ले रहे हैं तीन लाख का ठीक है ना 300 लाख का हमारे पास डिवेंचर्स है तो 300 डिवाइडेड बाय एक का कीमत 100 है तो क्वेश्चन हो गया तीन लाख हमारे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है ये डिवेंचर्स कन्वर्ट कितने में होगा तो ईच कन्वर्टेड इनटू ईच कन्वर्टेबल यहां पे लिखेंगे ईच डिवेंचर्स कन्वर्टेबल इन टू कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ईच डिवेंचर्स कन्वर्टेबल इन टू से अपने ले लेते हैं फाइव इक्विटी शेयर्स तो एक को अपने पांच में कन्वर्ट कर सकते हैं तीन लाख था पहले अभी टोटल पंद्रह लाख इक्विटी शेयर्स इन्हें देने पड़ेंगे इसके अलावा अपने इंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन लेते हैं तो इंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आप लिखेंगे इंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग तो यहां पर लिखेंगे कि इंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका है टू ठीक है ना इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है टू और हर एक ऑप्शन में मतलब दो लाख है और हर दो लाख है इम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग और हर ऑप्शन में आपको सौ शेयर्स देने हैं तो या कमती कर देते पचास शेयर्स देने फिफ्टी शेयर्स फिफ्टी शेयर्स टू बी इशूड फिफ्टी शेयर्स टू बी इशूड फॉर ईच ऑप्शन फॉर ऑप्शन हमें अब दो चीज और चाहिए होगा जैसे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आ गया तो एक चीज चाहिए होगा फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू हो गया से रुपीज ट्वेंटी सिक्स फेयर वैल्यू ले लेते हैं ट्वेंटी फाइव एंड ऑप्शन प्राइस दे दे रहे हैं, ऑप्शन प्राइस रुपीज सिक्सटीन ठीक है फिगर थोड़ा राउंड आ जाए तो अच्छा है वही सोच रहे हैं बाकी तो आ, कोई भी नंबर्स है क्या फ़र्क पड़ता है बस एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि आपका फेयर वैल्यू पे शेयर इश्यू हो तो वो एंटी मतलब वो डायल्यूटी ई में कंसीडर नहीं किया जाता है ये याद रखेंगे इफ़ द शेयर्स वर एट फेयर वैल्यू यदि मान लेते हैं कि पच्चीस रुपये इज़ द फेयर वैल्यू एंड द कंपनी इंप्लॉय को पच्चीस रुपये में ही दे रहा है तो उस केस में अपने बोलेंगे कि ये आपका दिस इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड इन आवर कैलकुलेशन क्योंकि ये डायल्यूटिव नहीं माना जाएगा क्योंकि आप सही कीमत पर जो बाजार में उसका मूल्य है उसी मूल्य पर आप यदि शेयर्स को बेचते हो इशू करते हो तो उस केस में दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस अपना डायलूटी वी में तो यहाँ नोट करके भी आप लिखेंगे कहीं पर या तो ऊपर में लिख सकते थे या बड़ा सा नोट आप यहीं पर बना लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए यहाँ पर लिखेंगे इफ इफ शेयर्स आर इशूड इफ शेयर्स are issued at if shares are issued at fair value at fair value then such number of shares such number of shares should not be should not be taken into consideration taken into कंसिडरेशन आप उसे नहीं लेंगे ये बात हो गया तो इफ़ से शुड ऐट फेयर वैल्यू देन सच नंबर ऑफ़ शेयर शुड नॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि मैंने ये बात इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटश्रेंडिंग के लिए लिखाया कि इसके अंदर में आपको बोनस एलिमेंट ढूँढना पड़ेगा कि कितना शेयर आपने मुफ्त में दिया है जो पैसे लेकर दिए वो तो कंसिडर नहीं करने हैं लेकिन जो आपने मुफ्त में दिए हैं एज़ ए बोनस दिए हैं तो वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको कोई भी तरीके का कॉस्ट सेविंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में नहीं होने वाला मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो ऑप्शन कन्वर्टेबल है इसमें यदि अपने बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक तो ये है दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पर ये भी है आप देख सकते हो तीन तीन है बट इनमें से रैंकिंग किसका क्या होगा नहीं पता बट तीन ऑप्शन है वन टू थ्री ये तीनों कन्वर्टेबल ऑप्शन है यानी कि फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें से ना रैंकिंग सबसे ज़्यादा वन टू थ्री देने का हमें डिसीजन लेना है कि पहले हम डायलोटी वी निकालने के लिए किसको इन तीनों में से पहले कंसिडर करेंगे तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको वो वर्किंग करना है लेकिन बिना वर्किंग किए ही इम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान को अपने बोल सकते हैं कि इसका रैंक वन होगा क्योंकि इससे तो आपका कोई भी कंपनी का इंक्रीमेंटल इनकम होने वाला नहीं अन्य ली रहेगा कहाँ आपको अल्टीमेटली कोई फायदा होने वाला आप ठीक से देखो कि अल्टीमेटली यदि आप शेयर्स एम्प्लॉ को इशू करते हो इम्प्लॉयी को यदि शेयर इशू करते हो तो बदले में कौन सा आपका इंटरेस्ट कहीं सेविंग होने वाला और कौन सा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड सेविंग होने वाला तो आपका एक तरह से जो स्टेप वन में है ना कि कैलकुलेट एडिशनल इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर टैक्स फॉर इच ग्रुप ऑफ पोटेंशियल डेल्यूटिव शेयर्स तो यहाँ पर आपका स्टेप जो यहाँ पर तीसरा नंबर जो आपको दिख रहा है इसके अंदर में आपका अल्टीमेटली तीसरे वाले ऑप्शंस में आपका अल्टीमेटली यहां पर कोई भी तरह का फायदा नहीं होगा नील फायदा होगा बट शेयर्स इशू करना पड़ेगा ये तो आप समझ ही गए तो यहाँ ये सबसे ज्यादा डायल्यूटिव होगा क्योंकि इसमें जीरो आएगा जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर रिजल्ट इज जीरो तो इसको रैंक वन मिलने वाला है चलिए सॉल्यूशन अब स्टार्ट करेंगे तो अब सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे इसका इस एग्जांपल का तो सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले आप सबको लिख दीजिए एक साथ कौन कौन सा है ट्वेल्व परसेंट कन्वर्टेबल शेयर्स है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स का जगह रखिए और तीन ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शंस लिख देंगे तीन ऑप्शंस लिख देंगे पहला है आपका क्या तो पहला आपका होगा ट्वेल्व परसेंट 12 परसेंट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस ट्वेल्व परसेंट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस तो आप लिखेंगे 12 परसेंट कन्वर्टल प्रेफरेंस शेयर्स फिर दूसरा नंबर है आपका 11 परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स तो आप लिखेंगे 11 परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड द थर्ड वन इज दैट इम्प्लॉज स्टॉक ऑप्शन तो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अब आपको स्टेप वन करना है जो इंक्रीमेंटल इनकम आने वाला है तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाले हैं स्टेप वन यू विल राइट स्टेप वन और स्टेप वन में आपको लिखना है इंक्रीमेंटल इनकम या एडिशनल इनकम शॉर्ट में एकदम लिखिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है एडिशनल इनकम आप बताओ एडिशनल इनकम ट्वेल्व परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में क्या हो जाएगा अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए टैक्स रेट एप्लीकेबल थर्टी परसेंट करिए टैक्स रेट टैक्स रेट थर्टी परसेंट तो इसका मतलब है जिस ये कंपनी थर्टी परसेंट के रेट से इनकम के ऊपर टैक्स देती है ये दिया हुआ है तो यहाँ पे टैक्स रेट थर्टी परसेंट है अब आ जाइए कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे तो एडिशनल इनकम निकालेंगे ट्वेल्व परसेंट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के मामले में अब आप देख लीजिए आपका प्रेफरेंस शेयर्स है कितने का पाँच सौ लाख का है पाँच सौ लाख के ऊपर बारह परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाता है पाँच सौ बारह परसेंट करेंगे दैट इज इक्वल टू सिक्सटी लैक्स तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिक्सटी लैक्स सिक्सटी लैक्स साठ लाख रुपये का आपका यहाँ पर इंक्रीमेंटल इनकम है इसमें कोई भी टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आपका बिलो द लाइन आता है अप्रोपिएशन पार्ट में आता है आफ्टर टैक्स वाला जो प्रॉफिट होता है वहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड दिखाया जाता है इट इज़ नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट इज़ अप्रोपिएशन प्रॉफिट तो प्रेफरेंस डिविडेंड बिलो द लाइन आता है यानी कि ये फोर्थ पार्ट में आता है अप्रोपिएशन वाले सेक्शन में आता है कभी भी आपका सेकेंड एक्सपेंस वाले पार्ट में नहीं आता है इलेवन परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि इलेवन परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आपका तीन सौ लाख है उसका इलेवन परसेंट करेंगे तो कितना होगा तीन सौ लाख का इलेवन परसेंट तीन सौ लाख का इलेवन परसेंट तो ये आपका इंटरेस्ट लग रहा था जैसे ही ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यू डोंट हैव टू पे दिस इंटरेस्ट एलिमेंट सो तीन सौ का ग्यारह परसेंट कर लीजिए और जो आया उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको सिंस ये तो हम एक्सपेंस दिखाते थे और एक्सपेंस दिखाने के कारण मेरा इनकम कम हो जाता था और इनकम कम होने से मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता था अब ये इनकम एक्सपेंस uh, नहीं दिखा पाएंगे तो कंसिक्वेंटली मेरा इनकम बढ़ जाएगा और इनकम बढ़े हुए इनकम पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा सो थ्री हंड्रेड का 11 परसेंट थ्री हंड्रेड का एलेवन परसेंट होता है थर्टी थ्री तो माइनस थर्टी थ्री का थर्टी थ्री का कितना तो बोलते हैं थर्टी परसेंट क्योंकि तैतीस लाख आया ये और 33 लाख का 30 परसेंट हमारा टैक्स बेनिफिट होगा कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या क्या है यू मे राइट दिस दिस इज़ द इंटरेस्ट कॉस्ट आप ये लिख सकते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये मेरा टैक्स बेनिफिट जो था उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट जो हमें सरेंडर करना पड़ेगा टैक्स बेनिफिट सरेंडर सेक्रीफाइस टैक्स benefit sacrificed, सरेंडर्ड तो आप टैक्स benefit सरेंडर करना पड़ेगा तो उस केस में आपका क्या रिज़ल्ट आया तो इधर में 33 और 33 का 30% परसेंट आप कर दीजिए ठीक है ना पहले आ गया 33, इधर लिख लीजिए एक बार ये आ गया आपका 33 और उसमें से आप 30% परसेंट ऑफ करेंगे तो 9 .9 और 33 से माइनस कर देंगे 9.9 तो आया रिज़ल्ट 23.1 23.10 पॉइंट लैक्स तो ये आपका यहाँ पर साठ लाख एक ही बार में आ गया था क्योंकि वहाँ पर टैक्स का कोई कहानी नहीं था मैंने यहाँ एलेबोरेट कर दिया कि टैक्स का कहानी है सो थर्टी थ्री लैक्स माइनस नाइन पॉइंट नाइन लैक्स और रिज़ल्ट आ गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन जीरो लैक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्ज़ाम में बट अभी आपको समझ समझ के लिखना है आप पूरा समझ के लिखिए यहाँ पर आपका कोई भी तरह का इंक्रीमेंटल एडिशनल इनकम नहीं होगा नहीं लिये क्यों इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कौन सा हम उसके रिलेटेड कोई खर्चा दिखा रहे थे वो तो सैलरी देते हैं या जो वेजेस देते हैं तो वो तो बेसिकली हमारा खर्चा होता है वो तो अलग चीज़ है बट ये तो इम्प्लॉय को अपने साथ रखने के लिए हम ये इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लेकर आते हैं तो ये हो गया है स्टेप वन डन दैट इज़ एडिशनल इनकम तो स्टेप टू आपको करना पड़ेगा और स्टेप टू क्या चीज का होगा तो बोलते हैं स्टेप टू होगा आपका स्टेप टू होगा एडिशनल शेयर्स तो एडिशनल शेयर्स देखिए यहां पर एडिशनल शेयर्स कितना देना है कैलकुलेट करिए दिया हुआ है सबके नीचे इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा ईच कन्वर्टेबल इनटू एट इक्विटी शेयर्स इसका मतलब है कि हमें यदि हम ये प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी बना लेंगे तो एक एक प्रेफरेंस के बदले में मुझे आठ देना पड़ेगा तो टोटल पाँच लाख प्रेफरेंस है तो ये फाइव लैक्स मल्टीप्लाइड बाई एट कर दो तो दैट इज इक्व टू कितना फोर्टी लैक्स शेयर्स देने पड़ेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्टी लैख यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फोर्टी लैक्स चालीस लाख शेयर्स फोर्टी लैख शेयर्स बाद में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप लिख भी सकते हैं फाइव इंटू एट चाहें तो आप यहीं पे लिख सकते हैं फाइव इंटू एट ये जो आया था आपका कैसे आया था वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अदरवाइज जरूरत नहीं है फोर्टी लैक्स दूसरा ऑप्शन में आ जाएगी इलेवन परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में अपने कितना शेयर्स देंगे तो लिखा हुआ है ईच डिचर्स कन्वर्टेबल यहाँ पे लिखा हुआ ईच डिचर्स कन्वर्टेबल इनटू फाइव इक्विटी शेयर्स टोटल थ्री लैक्स है थ्री लैक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन लैक्स तो पंद्रह लाख हो जाएगा ये तो पंद्रह लाख तो पंद्रह लाख से आप क्या करेंगे यहाँ पर पंद्रह लाख सॉरी इधर ही पंद्रह लाख आप लिख देंगे तो पंद्रह लाख शेयर्स तो यहाँ पे लिखेंगे फिफ्टीन लैख शेयर्स और ऑप्शन आउटस्टेंडिंग जो है ना ये जो है लिखा हुआ है फिफ्टी शेयर्स टू बी फिफ्टी शेयर्स टू बी इशूड टू बी इशूड फॉर यहां पे लिखना पड़ेगा इशूड फॉर ईच ऑप्शन दो बार ईच हो गया फिफ्टी शेयर्स टू बी इशूड फॉर बी था ही फॉर ईच ऑप्शन यानी कि 50 शेयर्स एक ऑप्शन में है दो लाख ऑप्शन है आप देख सकते हैं ना दो लाख इंटू पचास काफ़ी शेयर्स हो जाएगा दो लाख इंटू पचास यानी कि आपका कितना हो जाएगा सौ लाख ठीक है ना? सौ लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब नंबर्स बहुत भयानक आ रहा है तो इतना ज़्यादा आने से गंदा हो जाएगा इसलिए अपने क्या करते हैं इसको कम कर देते हैं पचास की जगह पाँच कर देते हैं एक जीरो उड़ा देते हैं सो दो लाख इंटू पाँच दस लाख अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि ये दस लाख है और हमें इसमें फेयर वैल्यू क्या है तो यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग करेंगे नीचे में कंसीडरेशन रिसीव्ड कंसीडरेशन कंसीडरेशन रिसीवेबल फॉर शेयर्स आउटस्टैंडिंग अंडर ऑप्शन तो देखो कितना कंसिडरेशन आपको मिलेगा तो बोलते हैं कि फेयर वैल्यू हमारा है पच्चीस रुपये करके है तो यदि हम लोग बात करें तो सोलह रुपये करके हमें मिलेगा क्योंकि सोलह रुपये इज द ऑप्शन प्राइस तो आपको यहाँ पर सोलह रुपए करके आपको मिलेगा तो टोटल शेयर्स है कितना तो बोलते हैं कि टोटल दो लाख है मल्टीप्लाइड बाय आपका एक ऑप्शंस में अपने पांच शेयर्स देंगे तो टोटल दस लाख शेयर्स हो गए और दस लाख इंटू एक को इशू करेंगे सोलह रुपए में तो दस लाख इंटू सोलह कर देंगे दस लाख इंटू सोलह यानी कि एक सौ साठ लाख एक सौ साठ लाख तो वन सिक्सटी एल 160 लाख हमें मिलता मिलेगा 160 लाख मिलेगा तो 160 लाख में हम एक्चुअली कितना शेयर इशू करेंगे तो 10 लाख शेयर इशू करेंगे अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मेरा टोटल जो है मेरा ऑप्शन कितना आउटस्टैंडिंग। मतलब कि अब हम क्या करने जा रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि यदि हम 160 लाख रुपए में फेयर वैल्यू पे इशू करते तो कितना शेयर इशू कर पाते तो 160 लाख हमें टोटल मिला और 25 के भाव से यदि हम बेचते तो डिवाइडेड बाय 25 तो हम 6.4 लाख शेयर्स इशू करते समझ में आ रहा है ना तो ये 160 लाख हमें मिला तो यदि हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते इस वैल्यू पर तो कितना करते तो अभी यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अंडर ऑप्शन अंडर द ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इश्यूएबल होगा इशूड क्यों होगा इशुएबल अंडर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग सो नंबर ऑफ़ शेयर्स इश्यूएबल अंडर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू दो लाख इंटू पांच यानी कि दस लाख शेयर्स और यदि हम फेयर वैल्यू पे इशू करते तो कितना शेयर इशू होता क्योंकि वहां तो हम डिस्काउंटेड प्राइस पर किए हैं सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट फेयर वैल्यू एट फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू पे यदि हम इशू करते तो कितना शेयर्स इशू करते तो 160 लाख आपने कंसिडरेशन रिसीव्ड किया है और 160 लाख डिवाइडेड बाई आपको अच्छी तरीके से पता है कि फेयर वैल्यू एक शेयर का कितना लिया गया तो बोला पच्चीस रुपये तो यदि हम फेयर वैल्यू पे इशू करते तो ये आ रहा 6.4 पॉइंट फोर लैख्स सिक्स पॉइंट फोर लैख शेयर ईशू करते अपने साढ़े छः लाख चालीस हज़ार शेयर इशू करते बट अपने तो इशू किए दस लाख ना तो मुफ्त में कितना इशू कर दिए जिसके अगेंस्ट में मेरा इंक्रीमेंटल इनकम कुछ नहीं है फेयर वैल्यू पे जो इशू किया जाता है उसको तो कंसिडर ही नहीं करते हैं में तो ये छः लाख चालीस हज़ार फेयर वैल्यू पेश हुआ तो बाकी जो शेयर्स है वो मेरा क्या हो गया कि ये हमने आ, मतलब इम्प्लॉज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में मुफ्त में लुटा दिया तो मुफ्त में जो है वो कितना हो गया तो टेन माइनस इससे कर दीजिए सिक्स पॉइंट फोर इज टू थ्री पॉइंट सिक्स लैख शेयर्स सो थ्री पॉइंट सिक्स लैख शेयर्स थ्री पॉइंट सिक्स लैख शेयर्स ये जो आया ना 3.6 लाख ये आपका यहाँ पर लिखना है 3.6 लाख शेयर्स ठीक है यहाँ पर स्टार देकर ये स्टार का मीनिंग यहाँ पर है आप यहाँ पर स्टार का मतलब यहाँ सॉल्व किए हैं कि स्टार का मतलब क्या है कैसे आया 3.6 पॉइंट वो आपको यहाँ दिखाना है समझिए ठीक से फेयर वैल्यू पे यदि बाजार के दाम पे बेचते हैं तो हमें मिलता टोटल 160 लाख रुपए सॉरी 160 लाख हमें मिले हैं बट एक्चुअली 160 लाख में मैं शेयर इशू करता तो सिर्फ 6.4 पॉइंट फोर लैक्स ही इशू करता बट मैंने इशू कर दिया है 10 लाख तो एडिशनल शेयर्स मैंने इशू कर दिया 3.6 और उस एडिशनल शेयर्स के लिए मेरे को कुछ भी बचत नहीं है निल है क्योंकि वो 3.6 हमारा ये खर्चा हो गया अल्टीमेटली ये इसके अगेंस्ट में मेरा इंक्रीमेंटल इनकम एडिशनल इनकम निल है अब स्टेप थ्री अप्लाई कर दीजिए तो स्टेप थ्री क्या है वो लिख देंगे तो स्टेप थ्री है आपका एक लाइन का नीचे में जगह रखेंगे रैंक देने के लिए तो स्टेप थ्री आप ईपीएस निकालेंगे ईपीएस फॉर एडिशनल इनकम ठीक है ना तो ये कैसे आएगा स्टेप वन डिवाइडेड बाई स्टेप टू साठ लाख डिवाइडेड बाई चालीस लाख तो साठ लाख डिवाइडेड बाई चालीस इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव डेढ़ रुपए आया ये ये आप लिख सकते हैं स्टेप वन डिवाइडेड बाई स्टेप टू स्टेप टू स्टेप वन डिवाइडेड बाई स्टेप टू तो ये डेढ़ लाख आ गया सेकंड केस में निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है देख लीजिए आपका ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय पंद्रह फोर तीसरा ऑप्शन में कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं है डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट सिक्स लैक्स इज जीरो रैंक देना है तो रैंक मैंने बताया कि जिसका लिस्ट ईपीएस आएगा इंक्रीमेंटल या एडिशनल ईपीएस जो आ रहा था वो से आपको रैंक देना है वन तो आप यहाँ पे लिखेंगे रैंक 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 वन इसका होगा और रैंक टू आप देख लीजिए डिसाइड कीजिए कि कौन इसमें से जीरो के बाद आपका कौन आएगा तो वन पॉइंट फाइव आएगा उसके बाद वन पॉइंट फाइव फोर आएगा तो आपको क्या करना है इसको रैंक टू देना है और इसको रैंक थ्री देना है इसका मतलब आपको बेसिक पी के साथ सबसे पहले क्या करना है आपको ऐड करना है इनकॉर्पोरेट करना है इम्प्लाईज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को फिर आपको इनकॉर्पोरेट करना है कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियस को और फिर आपको कंसिडर करना है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को बीच में यदि कोई बढ़ गया तो वो एंटी डायल्यूटिव हो जाएगा और वहीं कैलकुलेशन रुक जाएगा तो आप ना क्वेश्चन में हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था इसमें बेसिक ई का इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाला है तो अभी हम लोग बेसिक ई का इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं इक्विटी शेयर्स हमारा टोटल में हज़ार लाख है तो आपको यहाँ पर इनकम आपने डालना पड़ेगा कि पाँच हज़ार लाख का अपना प्रॉफिट है तो लिखेंगे आपका सपोज इन द एग्जाम्पल सपोज इन द एग्जाम्पल प्रॉफ़िट सपोज इन द अब एग्जाम्पल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्वि शो अपने ले ले रहे हैं रुपीस आप कुछ भी ले सकते हैं टोटल में अपने को पता है द, आ, हजार लाख आपका कैपिटल है और इक्विटी शेयर्स है सौ लाख तो कुछ ऐसा नंबर लेना है जो बहुत बड़ा फिगर ना आए छोटा ही आए तो सौ लाख है अपने तीन रुपये के आसपास लाते हैं तो तीन सौ लाख इनकम ले लेते हैं या आप ढाई सौ ले सकते हैं। जो मन में हो आपका चलो ढाई सौ लाख ले लेते हैं तो आप लेते हैं सपोज इन द अब एग्जाम्पल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्व टू रुपीज़ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी लैक्स तो बेसिक ई पीस आप ऐसे निकाल लेंगे बेसिक ई पीस इज इक्व टू ढाई सौ लाख डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो इसमें तो ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंजेस हो नहीं रहा है वैसे तो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स यही रह जाएगा जो शुरू में सौ लाख था तो ढाई सौ लाख डिवाइडेड बाई सौ लाख इज को टू कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव तो आपका बेसिक ई पी एस आ जाएगा टू पॉइंट फाइव बेसिक ई पी एस आ जाएगा टू पॉइंट फाइव तो ये आपको अब क्या करना है इस बेसिक ई पी एस के साथ एक एक करके मर्ज करना है और देखना है कि ऑप्शंस का क्या इफेक्ट आ रहा है तो आप क्या करेंगे जिसको रैंक वन दिए उसको पहले ऐड करेंगे और उसके बाद आप लिखते जाएंगे तो अब यहाँ पर सपोज इन द अब एग्जाम्पल में आपने लिख लिया तो आप सबसे पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे बेसिक ईपीएस बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्व टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपका आ चुका है दैट इज इक्वल टू कितना 250 हंड्रेड एंड फिफ्टी लैक्स और डिवाइडेड बाई आप करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि 100 लाख है तो डिवाइडेड बाई हंड्रेड लैख शेयर्स हंड्रेड लैख इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स तो सौ लाख इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टिंग फिगर इज़ टू पॉइंट फाइव लैक्स रिजल्टिंग फिगर इज़ टू पॉइंट फाइव लैक्स तो ये टू पॉइंट फाइव लैक्स आपका क्या आ जाएगा बेसिक ई पी एस हो जाएगा तो यू विल गेट द बेसिक ई पी एस आपका आ गया दैट इज टू पॉइंट फाइव लैक्स जब आपका एक बार बेसिक ई पी एस आ गया अब आप ऑप्शन वन को ऐड करेंगे रैंक वन को तो आप ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को ऐड कर रहे हैं ठीक है तो आपका क्या होगा डायल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट करना है आपको अब डायल्यूटिव होगा कि नहीं होगा आप क्या करेंगे रिवाइज बेसिक ई करेंगे तो आप लिखेंगे बेसिक ई बेसिक ई आफ्टर कंसीडरिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्योंकि सबसे पहले उसी को करना है तो आप देख लीजिए और यदि वो ढाई रुपये से कम कर दिया इनकम को तो उसको अपने बोलेंगे डायलिटिव ढाई से बढ़ गया तो एंटी डायल्यूटिव तो आपका क्या हो जाएगा अब आपका क्या हो जाएगा ईपीएस इज इक्वल टू इज इक्वल टू बेसिक ईपीएस आफ्टर कंसिडरिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज इक्व टू हो जाएगा प्रॉफिट जो था ढाई सौ लाख प्लस नील इंक्रीमेंटल इनकम कुछ नहीं होगा डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा तो डिवाइडेड बाई आपका सौ लाख है तो डिवाइडेड बाई हंड्रेड लैक्स प्लस आपने जो शेयर्स इशू करने हैं आपको तो आपको कितने शेयर्स इशू करने हैं तो प्लस आपको देख लीजिए इसमें इशू करने हैं थ्री पॉइंट सिक्स लैक्स तो आप इसमें थ्री पॉइंट सिक्स और ऐड कर देंगे तो थ्री पॉइंट सिक्स लैक्स कर दीजिए तो ढाई सौ टू फिफ्टी लैक्स डिवाइडेड बाई करेंगे वन जीरो थ्री पॉइंट सिक्स तो आपका रिजल्ट आ गया कितना वो लिख देंगे टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन जीरो थ्री पॉइंट सिक्स द रिजल्टिंग फिगर इज़ टू पॉइंट फोर वन थ्री वन टू पॉइंट फोर वन थ्री मतलब दो ही डेसिमल तक ले लो तो ये क्या हो गया डायलिटिव हो गया डायलिटिव नीचे की तरफ आया अब लिखेंगे कंक्लूजन डायलिटिव अब जो अगला ऑप्शन हम इसके साथ मर्च करेंगे तो 2.41 से नीचे आना चाहिए ऐसा नहीं है कि अब हमारा आप रिवाइज ये हो गया 2.41 तो इसलिए अब आपको क्या करना है तो नेक्स्ट फिर लिखना है बेसिक ईपीएस बेसिक ईपीएस आफ्टर कंसीडरिंग रैंक टू किसको दिया गया है तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस को रैंक टू है तो आप लिखेंगे आफ्टर कंसिडरिंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियस कन्वर्टेबल प्रेफरेंशेस तो आप यदि उसको कन्सिडर करके करेंगे तो देखिए क्या रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट ले लीजिए आपका रिज़ल्ट आ रहा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंशेस को लेने के बाद तो आप देखेंगे कि आपका था पहले ढाई सौ प्लस नील प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो देना पड़ रहा था अब नहीं देना पड़ेगा वो कितना है तो आप देख सकते हैं साठ लाख रुपए अभी हमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देने पड़ेंगे तो कंपनी में एडिशनल इनकम बढ़ जाएगा तो आप साठ लाख बढ़ाएंगे यहाँ पर सिक्सटी लैक्स प्लस रुपीज़ सिक्सटी लैक्स डिवाइडेड बाई आप किससे करोगे तो पहले आपको पता है ये ढाई के लिए सौ लाख शेयर था इसके लिए आपका थ्री पॉइंट सिक्स लैक्स शेयर्स था प्लस ये सिक्सटी लैक्स के लिए कितना शेयर्स हमें इशू करना पड़ेगा तो चालीस लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे तो चालीस लाख तो आप टोटल कर लीजिए तो ऊपर में हो जा रहा है आपका टू 310 थ्री हंड्रेड एंड टेन लैक्स थ्री हंड्रेड एंड टेन लैक्स और आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स लैक्स 143.6 लाख अब आप सॉल्व करिए तो क्या होता है तो 310 डिवाइडेड बाय 143.6 इज़ इक्वल टू हो गया आपका 2.15 पर शेयर आ गया 2.15 16 कर दीजिए 2.16 पॉइंट वन सिक्स तो ये भी डाइल्यूटिव हो गया ये भी डाइल्यूटिव हो गया कैसे डाइल्यूटिव आप देख रहे हैं 2.41 से नीचे चला गया इस रिजल्ट से नीचे है आप देखिए इससे कंपैरिजन हो रहा है 2.41 से ये नीचे है दैट्स वाई दिस इज़ डायलिटिव तो आपको बस ये यदि ये बढ़ गया होता ना 2.41 से ज़्यादा आता तो उस केस में ये एंटी डायलिटिव हो जाता और वो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा अभी हम लोग अब बेस, बेसिक ई फिर से निकालेंगे ठीक है ना बेसिक बोलना सही नहीं होगा डायलिटिव हमें निकालना था डायल्यूटिवीपीएस ये कट कर दो बेटा और लिखो डायल्यूटिव ईपीएस और ये भी आपका डायल्यूटिव बीपीएस ठीक है और तीसरा अपने निकालेंगे डायल्यूटिव बीपीएस थर्ड लिखेंगे डायल्यूटिव ईपीएस After considering convertible debentures, convertible debentures, आप 2.16 के नीचे जाना चाहिए तो इज इक्वल्स टू आप ऐसे दिखाओगे 250 प्लस नील प्लस 60 प्लस आप देखो डिवेंचर होल्डर से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है तो 23.1 थ्री पॉइंट लैक्स का आपका इंक्रीमेंटल इनकम आएगा यहाँ दिख रहा है 23.1 थ्री पॉइंट लैक्स का आपका इंक्रीमेंटल इनकम आएगा सो तो 23.1 थ्री पॉइंट लैक्स तो प्लस 23.1 थ्री पॉइंट एंड डिवाइडेड बाई किससे करोगे आप तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका जो रिजल्ट था वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको डिटेल समझ में आए हंड्रेड इसके लिए था थ्री पॉइंट सिक्स इसके लिए था आपका फोर्टी और इसके लिए कितना है वो निकालना पड़ेगा तो इसके लिए है आपका सिर्फ पंद्रह लाख शेयर्स तो फिफ्टीन लाख शेयर्स तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका फिफ्टीन सॉल्व करेंगे ऊपर वाला पहले न्यूमरेटर ऐड करके लिख दीजिए टू फाइव जीरो प्लस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन इज़ टू आपका थर्टी थ्री तीन सौ तैंतीस पॉइंट वन लैक्स ये रुपीज़ है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी वन पॉइंट वन लैक्स सो तीन सौ इकतीस लाख दस हज़ार रुपये डिवाइडेड बाई आपको करने हैं किस से तो दिस इज़ टू बी डिवाइडेड बाई द नंबर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो पहला आप लिख सकते हो कि ये सबका ऐड कर दीजिए अब तो हंड्रेड प्लस थ्री पॉइंट सिक्स प्लस फोर्टी प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू कितना वन फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स लैक्स शेयर्स इज़ इक्वस टू क्या रिजल्ट आया तो आपको क्या करना पड़ेगा थ्री 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 पॉइंट वन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री वन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स द रिज़ल्टिंग फिगर इज़ टू पॉइंट जीरो एट तो एक भी एंटी डेलीटिव नहीं आया टू पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट जीरो एट ठीक है ना एंटी डायलिटिव बन सकता था यदि अपने डिवेंचर होल्डर्स को और कमती शेयर्स देते तो एंटी डायलिटिव आता जैसे मान लो यहाँ पंद्रह लाख है उसके जगह पे हम उसको ना सिर्फ पाँच लाख शेयर्स देते एक बार करके देखो आता है तो सम्स को ना एंटी डायलूटिव बनाना जरूरी है आपको समझ में आएगा अदरवाइज़ क्या होगा एग्ज़ाम्पल लिख लिए और बाद में आप भूल जाएंगे वो सब तो डायलुटिव ही आता है तो यहाँ पर आपका थ्री थर्टी वन पॉइंट वन Divided बाई वन फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स नहीं वन फिफ्टी एट के जगह पर कितना हो जाएगा वन फोर्टी एट पॉइंट सिक्स तब टू पॉइंट टू टू हो जाता इसका मतलब आप समझ रहे हो ना हम पंद्रह लाख के बजाय यदि उसको पाँच लाख शेयर्स देते तो ये क्या हो जाता ना पंद्रह लाख के बदले में हम यदि पाँच लाख शेयर्स देते तो उस केस में ये हमारा डायलिटिव नहीं होके एंटी डायलिटिव होता खैर अब तो सम्स कर चुके हैं यदि काटने जाएंगे तो फिर रैंकिंग वाला में भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर पंद्रह की जगह पाँच बनाना होगा और ये आपको फिर... रैंकिंग थ्री आएगा बट कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर मैं उसे नोट में कवर करा दे रहा हूँ एक ही बात है तो ये हो गया टू पॉइंट और आप लिखेंगे एंटी नहीं है ये डायलिटिव है तो ये लिखेंगे आप डायलिटिव अब यहाँ पर आप लिखो नोट में ताकि आपका ये बात जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोग चाह रहे हैं जो हम चाह रहे थे वो जो हमारी चाहत थी वो यहाँ पर रिजल्ट आती है या नहीं आती है बुलाती है मगर जाने का नहीं ठीक है तो वैसा कुछ नहीं देखते हैं कि वो रिज़ल्ट आता है या नहीं तो यहाँ पर अपने वो रिज़ल्ट करेंगे तो नोट करके लिखते हैं नोट नोट में क्या लिखोगे आप तो नोट में आप लिखोगे सपोज इन द दबव एग्जाम्पल शेयर्स इशुएबल टू डिवेंचर होल्डर्स 5 5 तो अपने ये बोले कि सपोज कर लो कि पांच लाख शेयर्स इशू कर रहे ठीक है देन रैंकिंग थ्री ही रहता है रैंकिंग में चेंज नहीं आता क्योंकि आप देख लीजिए पांच लाख से डिवाइड करते पांच नहीं शायद तब रैंकिंग भी चेंज हो जाता कैसे तो पांच लाख से डिवाइड करते नहीं रैंकिंग थ्री रहता करते हैं ना एक बार ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन डिवाइडेड बाई फाइव तो फोर पॉइंट सिक्स टू आता तो रैंकिंग थ्री रहता देन आपका ई पी एस फॉर एडिशनल इनकम आता फोर पॉइंट सिक्स टू तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सपोज इन द एग्जांपल एग्जाम्पल शेयर इशुएबल फॉर डिवेंचर टू डिचर होल्डर्स इज फाइव लैक्स देन देन इंक्रीमेंटल ई पी एस इंक्रीमेंटल ई पी एस फॉर एडिशनल शेयर्स इक्वल टू होता 23.1 लाख्स डिवाइडेड बाय 5 लाख्स एंड रिजल्ट होता 4.62 पर शेयर ये लिखने की जरूरत नहीं है पर शेयर तो अपने आप अर्निंग पर शेयर हो ही गया तो ये होता फोर एंड रैंक होता है इसका थ्री क्योंकि लिस्ट को वन देते हैं एन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस केस में इसका रैंक होता थ्री एंड अपने को ये चीज बताना था कि यदि अपने आप अप कंसीडर करते तो ईपीएस पी एस पी डायल्यूटिव ई पी एस इक्व टू क्या होता तब अपने लिखते टू फिफ्टी प्लस नील प्लस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो द होल डिवाइडेड बाय इसके लिए हंड्रेड इसके लिए कितना थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट सिक्स सिक्सटी लैक्स के लिए फोर्टी लैक्स शेयर्स और इसके लिए होता पाँच लाख तो रिज़ल्ट कितना आया था आप निकाल लेते हैं फिर से ऐसे पूरा लिख देते हैं कि ऊपर में तो थ्री थर्टी वन पॉइंट वन लैक्स रहा एंड नीचे में आपका आ जाता थ्री थर्टी वन पॉइंट वन तो नीचे में आता हंड्रेड प्लस थ्री पॉइंट सिक्स प्लस फोर्टी प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वन फोर्टी एट पॉइंट सिक्स वन फोर्टी एट पॉइंट सिक्स 148.6 लाख और 148.6 लाख तो यहां पर आपका ये आपका पर शेयर क्या आ जाता है वो आप कर लेते तो पर शेयर हो जाता है आपका 331.1 डिवाइडेड बाय आपका 148.6 द रिजल्टिंग फिगर इज 2.23 2.23 तो इसका मतलब है ये हमारा एंटी डायल्यूटिव हो जाता है क्योंकि इसके प्रीवियस ओकेजन पे आया था 2.16 और अभी आ जा रहा है 2.23 तो ये एंटी डायल्यूटिव हो जाएगा तो यहां पर आप लिख देंगे एंटी डायल्यूटिव एंटी डायल्यूटिव दिस इज एंटी डायल्यूटिव होने का मतलब है दिस इज नॉट टू बी दिस इज नॉट टू बी डिसक्लोज इन फिनशियल स्टेटमेंट ठीक है अब हमारे पास सिर्फ सम्स करने को रह गया तो यहाँ पर आपका बनता है एक ब्रेक ब्रेक ले लो ब्रेक के बाद सिर्फ सम्स करना फटाफट से हो जाएगा अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अपने को छः सात दस सम्स कर लेना छोटे छोटे सम्स है और ये पूरा आपका एएस एस हो जाएगा एजी स्टाइलिंग और डिजाइन हमारी स्पेशलिटी Furniture proudly made in India. Get special offers at Pepper Fry. ब्रेक में अपने वेलकम कर रहे थे 2020 और अपने अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2020 किस तरह से हम लोग लाइफ का परिवर्तन कर दिया है जीवन रेखा ही बदल दिया जीने का शैली ही बदल गया है और बहुत सारे लोग काफ़ी आर्थिक प्रॉब्लम में आ चुके हैं और ये अभी भी चल रहा है तो ये गाना मैंने लगा दिया मैं सोच रहा था लगाऊँ ना लगाऊँ बट जब ये सॉन्ग मैंने लगाया तो वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी को वेलकम कर रहे थे बट ट्वेंटी ट्वेंटी आप जानते ही हैं हम लोग के लिए कितना हम आप सब दूर हो गए हैं और अब सब वर्चुअल लाइफ में ही कन्वर्ट हो रखा है अभी तो फ़िलहाल आगे गॉड नोज कि आगे कैसे क्या होगा तो एनी anyway, वे अपने आगे अब अप सम्स करना है सिर्फ़ ये ये पता है कि अच्छा हो रहा है अच्छा कर रहा हूँ मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छे से हर चीज़ हो डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ तो अभी हम लोग सम्स पे आ जाएंगे और अब ये जो सम्स है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन तो यहीं पर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं इसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा सम्स हम लोग इस तरह का नोट्स में कवर कर लिए थे इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ़ शेयर्स इशूड फॉर द पर्पज़ ऑफ़ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम विच डेट फ्रॉम विच डेट वेट इज़ टू बी कंसिडर्ड आपको यहाँ पर डेट कब से कंसिडर करना है वो बता रहा है इक्विटी शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ कैश तो आपका क्या हो जाएगा कैश के अगेंस्ट में जब इशू कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा किस दिन से आप कंसिडर uh, करोगे तो इसका आंसर होगा आप देखो ऑलरेडी इस तरह का एक नोट्स बनाए भी थे मैं आपको याद दिला दूँ लास्ट क्लास ही था क्या जहाँ पर हाँ तो when कैश इज रिसिवेबल ऐसे करके अपने देखो ठीक से ये सारा चीज़ किए थे तो वही उसी के ऊपर क्वेश्चन इसलिए मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ तो इक्विटी शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ कैश सो when कैश कंसिडरेशन लिखेंगे कैश कंसीडरेशन रिसीव्ड इक्विटी शेयर इशूड एज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट तो आपका कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट तो डेट ऑफ कन्वर्जन जिस दिन आप कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेट ऑफ कन्वर्जन इक्विटी शेयर इशूड इन एक्सचेंज फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबलिटी ऑफ द एंटरप्राइज तो आपका लाइबलिटी सेटल हो रहा है तो इफेक्टिव डेट ऑफ सेटलमेंट जिस दिन आपका सेटलमेंट हो रहा है उसी दिन तो इफेक्टिव डेट ऑफ सेटलमेंट यहाँ पे क्या होगा इफेक्टिव डेट ऑफ सेटलमेंट इक्विटी शेयर इशूड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द एंटरप्राइज तो आपका जिस दिन सर्विसेज रेंडेड हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए तो सर्विसेज रेंडेड सर्विसेज रेंडेड टू द एंटरप्राइज ये मुझे कराना नहीं चाहिए मैंने ये सब लिखा के कराया है आपको सर्विसेज रेंटेड टू द एंटरप्राइज इक्विटी शेयर इशूड इन लीव ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एन अदर फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट तो जो आपका इंटरेस्ट के बदले में यदि हम लोग इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है वेन इंटरेस्ट सीज टू कैपिटलाइज uh, यानी कि आपका इंटरेस्ट जब आपका रुक जाए तो इसका हो जाएगा इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट तो ये हो जाएगा आपका व्हेन इंटरेस्ट सीज्ड व्हेन इंटरेस्ट सीज्ड टू बी चार्ज्ड, सीज टू बी चार्ज नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर इश्यूड एज कंसीडेशन फ़ॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेस अदर देन इन कैश मतलब कि आपका इक्विटी शेयर दूसरे एसेस के बदले में आपका एक्सचेंज हो रहा है तो यानी कि आपका इक्विटी शेयर एज ए कंसिडेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एन आसेट्स अदर देन कैश तो डेट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इस केस में डेट ऑफ एक्विजिशन ये सब आपका नोट्स बनाया हुआ था ठीक है आ जाइए यहाँ पर आपका नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन हो गया क्वेश्चन नंबर वन हम लोग कर लिए लिख के नहीं किए बट अल्टीमेटली ऐसा नोट्स बना हुआ तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है केवल आप डिस्कस भी कर लिए आप ऐसे लिख लिए तो आपका हो गया आप इसी बुक में यहीं पर लिख लीजिए मार्क कर लीजिए हो जाएगा

तो दो लाख शेयर्स हमारा अंडर द ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है एक्सरसाइज प्राइस फॉर द शेयर ऑप्शन अंडर अंडर द ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर दो हज़ार बारह इज ट्वेंटी रुपीज़ हम दे रहे हैं कंप्यूट बेसिक एंड डायलिटिव तभी डायलोटिव ऑप्शन का भी हम लोगों ने जो एक सम्स किया था जहाँ पर मल्टीपल आपका फिनांशियल uh, इंस्ट्रूमेंट्स थे पोटेंशियल फिनैंशियल इंस्ट्रूमेंट तो उनमें से ही एक सिचुएशन है चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू का हम लोग क्या निकालेंगे तो बेसिक ई हम लोग निकाल देंगे तो ओरिजिनल ई आप निकाल दोगे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू और आप लिखोगे बेसिक अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्व टू ओरिजिनली रिपोर्टेड ठीक है ना ओरिजिनली रिपोर्टेड या ओरिजिनली इसी साल का तो निकाल रहे आपने तो बेसिक ई ही खाली रहने दो ओरिजिनली रिपोर्टेड नहीं तो यहाँ पे बेसिक ई क्या हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 है आप यहाँ पे ईयर भी लिख दीजिए फॉर द ईयर 2012 तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्निंग अवेलेबल अर्निंग एवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो अर्निंग एवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज इक्व क्या होगा तो बोलते हैं इज इक्व हो जाएगा आपका अर्निंग देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन है अर्निंग वॉज ट्वेंटी फोर लैक्स तो आप लिखो चौबीस लाख रुपए ठीक है और चौबीस लाख डिवाइडेड बाई आप करोगे जो आपके पास पहले से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने ले लेंगे दस लाख ठीक है ना वेटेड एवरेज नंबर ही बोला हुआ है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2012 हजार बारह दस लाख तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे दस लाख से डिवाइड करेंगे तो यू शुड राइट टेन लैक्स शेयर्स सो दस लाख शेयर से आप डिवाइड करेंगे दस लाख शेयर से डिवाइड किए ट्वेंटी फोर लैक्स द रिजल्टिंग फिगर इज कितना रुपीज़ टू पॉइंट फोर तो दो रुपए चालीस पैसा आपका बेसिक ई पी एस आ गया फॉर दो हज़ार बारह अब हमें डायलिटिव ऑप्शंस निकालना है तो जो डायलिटिव ऑप्शंस का वैल्यू निकालना है और डेलिटिव है भी या नहीं ऑप्शन और हमेशा डेलिटिव होता है ये ध्यान रखना तो यहां पर आपको सबसे पहले कंसिडरेशन पे यदि हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे इशू करते हैं तो कितना शेयर इशू होता और अपने कितना शेयर इशू कर रहे हैं अंडर द ऑप्शन वो निकालेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूएबल अंडर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना शेयर्स इशुएबल होगा अंडर द ऑप्शन आउटस्टैंडिंग तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बोल दिया है क्या है दो लाख शेयर्स दो लाख शेयर्स एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग दर ट्वेंटी रुपीज है और दो लाख शेयर्स हम लोग इसमें इशू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू लाख शेयर्स टू लाख शेयर्स दो लाख शेयर्स होगा अभी आप इसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशुएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशुएबल अंडर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अंडर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ठीक है सो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर अपने इशू करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इशुएबल अंडर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हैड द शेयर्स इशूड हैड द शेयर्स ईशूड एट फेयर वैल्यू तो यदि फेयर वैल्यू पे इशू किए होते तो कितना शेयर इशू होता है ये निकाल रहे अभी आप क्या करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास टोटल दो लाख शेयर से और बीस रुपए करके ही मिल रहा है जबकि बाजार में फेयर वैल्यू एक शेयर का चल रहा था क्या पच्चीस रुपए, पच्चीस रुपए वॉज द प्राइस तो आपको तो बीस लाख ही मिला ना तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू लैक्स मल्टीप्लाइड बाय टू लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीस कितना तो दो लाख शेयर है और एक शेयर के अगेंस्ट में आपको मिलेगा कितना वो आप लिख दीजिए तो दो लाख शेयर्स आपको एक पे मिला बीस रुपये करके और डिवाइडेड बाय पच्चीस रुपया करके यदि एक शेयर इशू करते पच्चीस रुपये के ये तो टोटल कंसिडरेशन आ गया कि दो लाख शेयर इंटू बीस रुपये करेंगे तो आपका कितना रुपये आ गया तो चालीस लाख रुपये आ गए आपके तो पास अब ये चालीस लाख रुपए यदि हम पच्चीस रुपए के रेट से शेयर इशू करते तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स होता तो आप यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइडेड बाई आप यहाँ पर करेंगे पच्चीस तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई रुपीज़ ट्वेंटी फाइव सो तो दो लाख इंटू बीस दो लाख इंटू बीस डिवाइडेड बाई पच्चीस इज इक्व टू कितना एक लाख साठ हजार तो आपको यहाँ पर एक लाख साठ हजार शेयर्स आप इशू करते हैं। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में आपने चालीस हज़ार शेयर जो है ना एडिशनल शेयर्स इशू कर दिया तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एडिशनल शेयर्स जो है वो 40,000 थाउज़ेंड हो गया तो आप वो एडिशनल शेयर्स लिख देंगे फोर्टी थाउज़ेंड तो फोर्टी थाउज़ेंड शेयर्स तो यहाँ पर आपका अपने अच्छे तरीके से जानते हैं कि द शेयर विच फेयर वैल्यू शुड नॉट बी कंसिडर इन द डायटिवीएस तो यानी एक लाख साठ हजार इज द फेयर वैल्यू पे इशू हो रहा है सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड तो आप यहां पे ये नोट में एग्जाम तक में ये बात यहीं पे लिख देंगे कि इफ शेयर्स इशूड इफ शेयर्स इशूड एट फेयर वैल्यू एट फेयर वैल्यू अगेंस्ट कंसिडरेशन इफ शेयर्स इशूड एट फेयर वैल्यू against consideration then then such number of shares such number of shares should not be taken into account number of shares should not be taken into account फॉर कैलकुलेटिंग डायल्यूटिव ईपीएस फॉर कैल्कुलेटिंग डायल्यूटिव ईपीएस तो डायल्यूटिव ईपीएस मुझसे कंसिडर नहीं करेंगे तो हेंस इन द अब केस हेंस वन लैख सिक्सटी थाउजेंड सेयस one lakh sixty thousand says should not be should not be taken into account taken into account for computing computing dilutive EPS. However, However, forty thousand says issued, forty thousand says issued for forty thousand says issued for no consideration, no consideration. However, forty thousand says issued for no consideration, so this is to be taken into account for calculating dilutive EPS. इन सपोर्ट ऑफ योर ये जो आया वर्किंग जो आप कर रहे हो कि चालीस हजार लेना है या एक लाख साठ हजार क्यों नहीं लेना है और लेना है ये रीज़न भी आपने डाल दिया अब आप यहाँ पर लिखोगे इसके नीचे कि डाइल्यूटिव ईपीएस क्या होगा तो आप लिखेंगे डाइल्यूटिव ई पी एस इज इक्वल्स टू तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऑप्शन जब वो मटेरियलाइज होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो एडजस्टेड इनकम आपका आपको लिखना पड़ता है एडजस्टेड इनकम एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाई आपका क्या करना है तो एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाई जो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस आपका एडजस्टेड इनकम उससे रिलेटेड इनकम भी हो गया तो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में सो शेयर इश यहां पर आप लिखेंगे प्लस शेयर्स इशूड इन ई इज़ इक्वल टू एडजस्टेड इनकम में तो कोई चेंज होगा नहीं पहले भी आपका जो था वो 24 लाख था अभी भी 24 लाख ही रहेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर रुपीज़ ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई आप करोगे किससे तो ट्वेंटी फोर लैक्स डिवाइडेड बाई होगा आपका तो आपको पता ही है कि आपके पास पहले से दस लाख ,00 शेयर्स थे तो टेन लैक्स ,00 प्लस आपने और शेयर इशू किए हैं फोर्टी थाउजेंड शेयर्स तो फोर्टी थाउजेंड शेयर्स और ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल कितना हो गया ट्वेंटी फ़ोर लैक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फ़ोर लैक्स डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना टेन लैख फोर्टी थाउजेंड इज़ इक्वल टू टू पॉइंट थ्री वन टू पॉइंट थ्री वन अप्रॉक्स है ये ठीक है तो ये आपका फाइव मार्क्स का यदि आएगा तो इतना आपको शो करना पड़ेगा अब नॉर्मली क्या होता है लोग सोचते फटाफट लिख दो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये सब लिखने का पावर डेवलप होगा और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहें और एग्ज़ाम में यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से आप फुल मार्क्स लेकर आए सौ में सौ लेकर आएँ तो आप कोई भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हर चीज़ आपको जो कर रहे हैं जो मन में समझ रहे हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट द नोट एजम्प्शन इन योर ओन लैंग्वेज डोंट वरी कि हमें टेक्निकल लैंग्वेज ही लिखना है जो ए या एस का लैंग्वेज उठाकर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है पैरा नंबर का कोई रेफरेंस नंबर देना है बिल्कुल नहीं जब इंस्टीट्यूट का आप सजेस्टेड आंसर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पैरा नंबर एंड ऑल दैट आपको बोला हुआ रहेगा बट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है यही आप देख सकते हैं कि जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में अभी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो वो ये नहीं देखता है कि बच्चा के अंदर रटने का कितना क्षमता है वो अब हटाया जा रहा है आप देखिए धीरे धीरे ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाएगा ये देखना पड़ेगा कि आपका समझ कितना है और आप ब्रेन का एप्लीकेशन कितना कर पाते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रादर देन आप कितना मगप कर पाते हैं तो मग अप करने से कुछ होने का है नहीं सो मग मेमोरी टेस्ट नहीं है इससे एप्लीकेशन टेस्ट तो नया एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा आया है जो कि आगे बच्चों के लिए अच्छा होगा और सबसे अच्छा बात आया पता है क्या है सेमेस्टर वाइज कर दिया अभी अब सोचो कि एग्ज़ाम बच्चा केवल सीरियस होता था साल में एक बार बहुत ज़्यादा अच्छा वाला सीरियस होता था साल में एक बार अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अब दो बार सीरियस होगा मेरे को ज़्यादा खुशी होता यदि ये चार सेमेस्टर होता है एक साल में तीन तीन महीने पे एक एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता तो बच्चा को अपने लाइफ में एग्ज़ाम का प्रेशर ही फील नहीं होता बिकॉज वो एक साल में अपना चार बार एग्ज़ाम कन्फ्रंट करता और तीन महीने में स्कूल के ऊपर भी बट ये इसलिए किया गया कि हमारे इंडिया में अभी भी छुट्टी लोगों को बहुत चाहिए स्कूल बंद चाहिए ये वेकेशन समर वेकेशन विंटर वेकेशन पूजा वेकेशन एंड ऑल दैट उन्हें संडे बावन छुट्टी मिलता है उसके अलावा भी ये सब छुट्टी चाहिए होता है एंड दैट्स वाई ये सारी चीज़ों इतना बड़ा विरोध हो जाता है यदि तीन तीन महीने पे एग्ज़ाम होता तो उस केस में बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाता और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता पॉलिटिक्स इसमें घुस जाता तो दैट्स वाई अभी भी है बट ये छः छः महीना पे सेमेस्टर वाला भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा है ये चीज़ अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को सीखना चाहिए जो आप एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को जब करते हो तो आप उसे भूलते नहीं हो यू रिमेंबर इट फॉर एवर बिकॉज वो आपके अंदर रहता है चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू तो कर लिए थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिए न्यू एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की सारे क्वेश्चन अब इजी लगेंगे ऐसे कोई क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे सब चीज मेरे एग्जांपल में ही कवर्ड हो गया है क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं क्या बोल रहा है देखिए फटाफट फड़ से कि लिखा हुआ है इन अप्रैल 2010 ए लिमिटेड इशूड अठारह लाख इक्विटी शेयर्स ठीक है ना अप्रैल 2010 में इशू किया है अठारह लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ पर शेयर वर कॉल्ड अप ओके एक शेयर में पांच रुपया कॉल्ड अप था ऑन दैट डेट विच वॉज पेड बाई ऑल द शेयर होल्डर्स अच्छा उसी दिन पेड भी कर दिया है ऑल द शेयर होल्डर्स द रिमेनिंग फाइव वर्स कॉल्ड अप ऑन वन नाइन टू थाउजेंड टेन तो फर्स्ट uh, सेप्टेम्बर को ड्यू हो गया बाकी पाँच रुपया ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन हैविंग थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स पेड द सम इन सेप्टेंबर टू थाउजेंड टेन तो बाकी सब ने पे कर दिया लेकिन एक को छोड़कर और वो है तीन लाख साठ हज़ार इन्होंने पेमेंट नहीं किया द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एलेवन इज थर्टी थ्री लैख्स आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रफ्रेंस तो अच्छा बात है मुझे आफ्टर डिविडेंड ही चाहिए था यहाँ पर आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड ही दे दिया है तो थर्टी थ्री लैक्स का प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है ऑन द प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सिक्स पॉइंट सिक्स लैक्स तो ये सिक्स पॉइंट सिक्स लैक्स भी प्रोवाइड uh, कर चुका है हमें टेंशन नहीं लेना है सो थर्टी थ्री लैक्स हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स न्यूमेरेटर आपको दे दिया क्वेश्चन में न्यूमिरेटर का मतलब है प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज थर्टी थ्री लैक्स बट डिनोमिनेटर होता है आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जो कि इस क्वेश्चन में अभी नहीं दिया है तो आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा तो यही आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मैं आपको यहां पर टाइमलाइन पे पहले आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए ऐसे आप ऑलरेडी ये सब सम्स कर चुके हैं इतना इजी सम्स है ये क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री ये टाइमलाइन है इस टाइमलाइन पर अपने दो फ्लैग लगा देंगे एक बिगनिंग का और एक एंड का बीच में एक और फ्लैग लगा देंगे ठीक है और वो फ्लैग सितंबर में आप देख लीजिए सबसे पहले अठारह लाख शेयर इशू किया गया पांच रुपए वज द पेड वैल्यू तो आप यहाँ पर अठारह लाख शेयर्स है अठारह लाख शेयर्स और इसका पेडअप वैल्यू कितना है दस रुपये है तो मैं ऐसे लिखूं फाइव रुपीज़ पेड है आउट ऑफ टेन तो आप समझ गए फाइव बाई टेन का मतलब क्या है पांच रुपया पेमेंट हो चुका है आउट ऑफ टेन अभी यहाँ से ना दो कैटेगरीज हो गया ठीक से देखो बीच में कहानी चेंज हुआ एंड तीन लाख साठ हजार अलग हो गया एक्सेप्ट तीन साठ तो यहाँ पर तीन साठ हटा देंगे अठारह लाख ,00 में से तीन साठ गया मैंने आपका कितना हो गया अठारह माइनस तीन साठ इज टू चौदह चालीस तो फोर्टीन पॉइंट फोर लैख ठीक है ना 14.4 पॉइंट फोर लैख शेयर्स जो है वो हो गया टेन बाई टेन पूर्ण हो चुके हैं यानी कि वो कंप्लीट हो गए लेकिन तीन लाख साठ हज़ार शेयर्स वो पेमेंट नहीं किया थ्री पॉइंट सिक्स वो फाइव बाई टेन ही रह गया समझ में आ रहा है ये थ्री पॉइंट सिक्स लैख आपका फाइव बाई टेन ही रह गया तो इसका मतलब आप आगे समझ रहे हो यहाँ से आगे ये तो हम समझ गए यहां से हम इक्वालेंट नंबर निकाल कर यहाँ से इस डेट तक इस फ्लैग तक आएंगे इस फ्लैग से इस फ्लैग तक इक्व वैलेंट नंबर हम अठारह लाख ,00 का कर दें तो नौ लाख ,00 शेयर्स हो गया इक्व वैलेंट नंबर आप नौ लाख ,00 का कर सकते हैं दस रुपये का शेयर्स वाला यदि बना के चले तो और उसके बाद यहाँ से चौदह लाख चालीस हज़ार शेयर्स रह गया दस वाला तो आप यहाँ से नौ लाख ,00 शेयर्स पे करेंगे और वहाँ से दस आपका चौदह लाख चालीस हज़ार शेयर्स पे करेंगे और ये तीन लाख साठ हज़ार वाले को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो थ्री पॉइंट सिक्स इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा तो आपका क्या करना पड़ेगा ये इक्वेलेंट बनाने के लिए इसको आप मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई टेन कर देंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ये वन पॉइंट एट लैक्स होगा जो कि यहाँ से वन पॉइंट एट यहाँ से लेकर आपका इस पॉइंट तक रहा तो बस वेटेड एवरेज के लिए आपको इतना हिंट काफ़ी है अब वेटेड एवरेज निकालना शुरू करते हैं डेट लिख देते सबसे पहले ये डेट क्या था तो यहाँ पे डेट लिखना ये था फर्स्ट अप्रैल थर्टीन ये डेट है वन नाइन थर्टीन और ये डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना महीना होता है कैलकुलेट कर लीजिए दिस इज इक्व टू फाइव मंथ्स दिस इज इक्व टू कितना सेवन मंथ्स एग्ज़ाम में ये टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है मैं तो आपके दिमाग में रहने के लिए ये चीज़ किया तो आपको यहाँ पर अलग से वर्किंग कैसे करके दिखाना एग्ज़ाम में वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ ये तो हमने सॉल्व कर लिया बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सॉल्व करके दिखाएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन सोइंग कंप्यूटेशन सोइंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो आप यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे ठीक है पहले आप डालेंगे कैटेगरीज जो शेयर्स का है तो इक्विटी शेयर्स है तीन तरह का हो गया एक बार आपका अठारह लाख पाँच रुपया वाला हो गया फिर चौदह चालीस हो गया तीन साठ हो गया तो पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम रखिए ठीक है ना फिर उसका फेस वैल्यू रखिए फिर पेडा वैल्यू रखिए फिर वेटेड एवरेज निकाल लीजिए, ऐसा कॉलम बना लीजिए हेडिंग डाल दीजिए पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स लिखेंगे पर्टिकुलर्स लिख कर उसके बाद आप हेडिंग डाल रहे हैं ये क्या चीज़ था आपका फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पेडब वैल्यू एंड यहां पे आप सीधा वेटेड एवरेज निकाल दोगे एक बार में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अब अपने को पता है कि 18 लाख शेयर्स यहां पर जो था तो 18 लाख शेयर्स सबसे पहले लिखेंगे 18 लाख शेयर्स जिसका फेस वैल्यू टेन था पेड अप वैल्यू पाँच रुपये था और इसमें टाइम आपको पता ही है पहला फाइव मंथ्स के लिए निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे अठारह लाख वेटेड एवरेज निकालना है अठारह लाख मल्टीप्लाईड बाई फाइव डिवाइडेड बाई आप कर दोगे टेन इसे आपका इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया कि इक्विवेलेंट कितना शेयर्स हो गया और अपने टाइम प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ये फाइव मंथ्स रहा तो फाइव बाई ट्वेल्व मंथ्स, फाइव बाई ट्वेल्व इसका रिजल्ट अपने लिख देंगे क्या रिजल्ट आया तो वहाँ आएगा नहीं रिजल्ट नीचे लिख दो उतना कमती जगह में रिजल्ट नहीं जाने वाला तो आप यहाँ पर लिखेंगे अठारह लाख अठारह लाख ठीक है और अठारह लाख इंटू फाइव डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल्स टू नौ लाख इन फाइव बाई ट्वेल्व इज इक्व शू कितना थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया थ्री सेवन फाइव एंड ट्रिपल जीरो सो तीन लाख पिचत्तर हज़ार का रिजल्ट आया सो so, आप थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड लिख दिए ठीक है ना ये फेस वैल्यू है ये आपका पेडअप वैल्यू है और वन लाख एटी थाउजेंड के ऊपर आपने फाइव मंथ्स का टाइम वेट ये आपका रेशियो है आपको ध्यान रखना ये रेशियो है टाइम का कि कितने मंथ तक के लिए उसके बाद नेक्स्ट आपका आ, एक दो कैटेगरीज़ हो जा रहा है वहाँ से एक हो जा रहा है आपका फोटीन लाख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स दस रुपये का है और वहाँ से वो फुल्ली पेड अप हो जा रहा फुल्ली पेड अप हो जा रहा ये ध्यान दीजिए यहाँ से आपका वो फुल्ली पेड अप हो जा रहा है टेन बाई टेन तो यहाँ से वो फुल्ली पेड अप हो गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे चौदह लाख चालीस हज़ार शेयर्स आपका मन टेन बाई टेन करिए आपका मन मत लिखिए आपको समझ में आना चाहिए यदि समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व वहाँ से सेवन मंथ्स है तो सेवन मंथ्स आगे जाएंगे और सेवन मंथ्स आगे जाएंगे तो आप लिखेंगे चौदह लाख चालीस हज़ार मल्टीप्लाइड बाय सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इज इक्वल्स टू कितना एट लाख फोर्टी थाउजेंड तो ये आपका रिज़ल्ट आया एट फोर जीरो एंड ट्रिपल जीरो आठ लाख चालीस हज़ार आपका अल्टीमेटली चौदह लाख चालीस हज़ार के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गया अभी नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ एक कैटेगरी है जिसके ऊपर मुझे कलेक्शन नहीं आया तो है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स जिसका फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू टेन है बट पेड अप वैल्यू उसके ऊपर पाँच ही है तो आप क्या करेंगे थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड अब इक्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई टेन तो ये इक्वाल नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट हो गया और इस पर टाइम रेशियो आप अप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर टाइम रेशियो आता है मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपको एक रिज़ल्ट देगा सो तीन लाख साठ हज़ार मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व सॉरी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई टेन इज इक्व टू वन लाख एटी थाउजेंड वन लाख एटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वस टू वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो तो एक लाख पाँच हज़ार यहाँ पर आपका रिजल्ट आया टोटल क्या आ जाएगा आप यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं आपका टोटल क्या आएगा तो टोटल इज इक्व टू थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस एट लाख फोर्टी थाउजेंड प्लस वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो इज इक्व टू तेरह लाख बीस हज़ार शेयर्स सो so, आप टोटल कर देंगे तेरह लाख बीस हज़ार शेयर्स वेरेड एवरेज आ गया आप एग्ज़ाम तक में ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए ये थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस आप ऐड कर रहे हो एट लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस आप ऐड कर रहे हो वन लैख फाइव थाउजेंड इन सबको ऐड करके जो टोटल रिज़ल्ट आया है वो है थर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये आपका टोटल रिज़ल्ट भी आ गया तेरह लाख बीस हज़ार तो इस तरीके से आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल कर दिखाने आप एक कॉलम और भी ऐड कर सकते थे ये कॉलम वर्किंग का बना देते और एक कॉलम ऐड करते लास्ट में आप तीन पिचहत्तर आठ चालीस एक पाँच तेरह बीस लिख देते तो और अच्छा दिखता तो आप वैसा भी कर सकते हैं ये भी चलेगा वो भी चलेगा जैसा आप करेंगे बट करेक्ट एंड प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए आपको फुल मार्क्स मिलेगा फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है तो आपको लिखना है अब तो यहाँ तो सॉल्व हो ही गया तो आप लिखेंगे बेसिक ई पी एस इज़ इक्व टू बेसिक अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर इज इक्व टू क्या होता है तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्व टू होता है आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई आप करोगे किससे तो बोलते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी आपका जो है या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ इक्विटी से आप डिवाइड करोगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो सो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट कितना है आ, यहाँ पर दिया हुआ है हाँ है तैतीस लाख रुपए थर्टी थ्री लैक्स तो आप थर्टी थ्री लैक्स लिखोगे प्रॉफिट है आपका थर्टी थ्री लैक्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है आपका दैट इज थर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड्स हो तेरह लाख बीस हज़ार से आप डिवाइड करो तो तेरह बीस से डिवाइड कर दिया द रिज़ल्टिंग फिगर आपका पर शेयर आ गया तो थर्टी थ्री लैक्स थर्टी थ्री लैक्स डिवाइडेड बाई आपका तेरह लाख बीस हज़ार द रिज़ल्टिंग फिगर इज़ टू पॉइंट फाइव तो आपका ढाई रुपया पर शेयर आ जाएगा तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव मार्क्स इसी के लिए आपका मिलेगा तो फाइव मार्क्स आपका हो गया ये था क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन समझ रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्या है वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पढ़ रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इफेक्ट इज गिवेन टू ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर दैट वेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्सप्लेन ऑल्सो कैलकुलेट द डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन से आपको डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आपको प्रॉफिट बता दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपको बता दिया बीस लाख है नंबर ऑफ़ 8 परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड ईच आपका एक लाख रुपए आपका ये क्या है नंबर्स है नंबर ऑफ़ 8 परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड ईच एक लाख इस डिवेंचर्स इज़ कन्वर्टेड इंटू टेन इक्विटी शेयर्स मतलब एक लाख डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका दस लाख इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर बता दिया है छः लाख है अब डिवेंचर्स यदि कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में तो उस केस में आपको ये डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देने पड़ेंगे बट साथ में जो टैक्स का फ़ायदा आपको मिल रहा था थर्टी परसेंट का वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा ये फ़ायदा जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिक्स लैक्स का थर्टी परसेंट आपको एक लाख अस्सी हज़ार रुपया आपका जो एडिशनल इनकम होने वाला है छः लाख उसमें से एक अस्सी माइनस हो जाएगा आपको डायलिटिव निकालना है तो चलिए देखते हैं डायलिटिव है भी या नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको वो कैलकुलेट करने के बाद ही मालूम चलेगा कि वेदर इट इज़ डायल्यूटिव और एंटी डायल्यूटिव तो फटाफट फड़ से आप क्या करेंगे सबसे पहले बेसिक ई निकाल देंगे जो आपका है और बेसिक ई तो इजी है ना कौन सा से किसको डिवाइड करेंगे बताओ तो बोलते हैं ना इसको इससे डिवाइड कर दीजिए सर एटी फाइव लैक फिफ़्टी थाउजेंड को बीस लाख से डिवाइड कर दीजिए यू विल गेट द बेसिक ई तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्व टू कितना तो बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट ये सब लिखना पड़ेगा आपको प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय व्हाट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल कैलकुलेट कर ही दीजिए कि आपका कितना दिया हुआ है एटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड आप लिख देंगे एटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड दैट डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है दिस डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स यही हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी थाउ ट्वेंटी लैक्स तो आप ट्वेंटी लाख से डिवाइड करेंगे सो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लैक्स शेयर्स इज इक्वस टू हो जाएगा आपका सीधा कर दीजिए एट्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लैक्स आपका हो गया फोर पॉइंट टू सेवन फाइव तो इज इक्व टू फोर पॉइंट टू सेवन फाइव ठीक है अब आपसे पूछा है कि आपको वेल कैल्कुलेटिंग डायलिटिव अर्निंग पर से इफेक्ट इज गिवन टू ऑल डायलिटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दैट वर आउटशेंडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्सप्लेन ऑल्सो कैलकुलेट डायल्यूटेड अर्निंग तो आपको ये जो लाइन है ना ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताओ वाइल कैलकुलेटिंग डायलूटेड अर्निंग पर शेयर इफेक्ट इज गिवेन टू ऑल डायलूटिव पोटेंशियल लिक्विटी शेयर्स दैट वेयर आउटस्टैंडिंग दैट पीरियड तो ये हम लोग ऑलरेडी जो नोट्स कवर किए थे जो हमने बताया आपको कि आपको क्या करना है कि हमें हर के लिए क्या करना पड़ेगा इंक्रीमेंटल इनकम निकालना पड़ेगा स्टेप वन स्टेप टू आपको एडिशनल शेयर्स टू बी शूड निकालना पड़ेगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेप वन डिवाइडेड बाई स्टेप टू करना पड़ेगा उसके बाद जाकर आपको ये आ, उसके मतलब उसके बाद जाकर आपको रैंकिंग करना पड़ेगा और ऐड और करने का प्रोसेस ये है कि आप रैंकिंग के हिसाब से ऐड करेंगे बेसिक ई के साथ तो जो अपने लिखे हैं वही बात आपको यहाँ लिख देना चाहिए शॉर्ट में तो सबसे पहले अपने यहाँ पर क्या करेंगे वो जो प्रोविज़न है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है क्योंकि अपने को डायलोटिव भी निकालना पाँच मार्क्स का आंसर है तो बोला है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो वेल कैलकुलेटिंग डायलोटेड अर्निंग पर शेयर इफेक्ट इज गिवन टू ऑल डायलोटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर दैट वर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड तो यस एज पर द प्रोविज़न हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एज पर प्रोविज़न ऑफ accounting standard twenty earning per share while calculating while calculating diluted EPS all the Financial instrument all the potential financial instrument all the potential financial instrument which are con which are which are convertible into equity should be should be considered should be considered and it will be dilutive and it will be dilutive only if only if basic eps basic eps after incorporating option after incorporating potential shares डिक्लाइन तो वो डिक्लाइन हो जाए तभी जाके वो डायल्यूटिव होगा अब पूरा स्टेप लिखना संभव तो है नहीं एग्ज़ाम में उतना टाइम होता नहीं है आपको फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन देगा फाइव मार्क्स में आपको तभी डायल्यूटिव भी निकाल के दिखाना है एडजस्टेड इनकम निकालना है फिर आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करके फिर डिवाइड करना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले इट इज़ कैलकुलेटेड एज़ फॉलोज डायल्यूटिव बी पी एस ईपीएस कैलकुलेटेड एज फॉलोज और पहले लिखेंगे आप एडजस्टेड इनकम तो आप एडजस्टेड इनकम निकाल के दिखाएंगे तो एडजस्टेड इनकम टू द शेयर होल्डर्स तो एडजस्टेड इनकम टू शेयर होल्डर्स आपको निकालना है सबसे पहले आप जो इनकम है वो आप लिख देंगे तो प्रॉफिट जो आपका रिपोर्टेड है वो नेट प्रॉफ़िट फॉर द करेंट ई ईयर एटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड वो लिखेंगे तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ई ईयर ट्वेंटी लाख फिफ्टी थाउजेंड अट्ठाईस लाख पचास हज़ार हो गया नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर अभी आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसमें जब डिवेंचर होल्डर्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तो वी डोंट हैव टू पे द डिवेंचर्स तो आपका डिवेंचर्स कितना इंटरेस्ट आएगा वो देख लीजिए दिया हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर इज़ इक्वेस्ट टू छः लाख तो छः लाख है हमारा तो आप क्या करेंगे सिक्स लैक्स ,00 तो आप लिखेंगे लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिवेंचर्स छ लाख इसमें ये ऐड हो जाएगा लेस नहीं होगा बिकॉज़ अपने डिवेंचर इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या किए थे पीएल में माइनस किए थे तो ये ऐड हो जाएगा तो आपको ये ऐड करके जो आएगा रिज़ल्ट वो होगा थर्टी फोर लैक्स फिफ्टी थाउजेंड और आपको ये भी पता है कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिवेंचर्स है थर्टी फोर लैख फिफ़्टी थाउजेंड अब इससे अपने को लेस करना है तो क्या लेस करेंगे तो बोलते हैं टैक्स बेनिफिट जो हमें मिल रहा था अब हमें टैक्स देना पड़ेगा तो लिखेंगे टैक्स सेविंग्स टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज़ इक्व टू कितना होगा आप देख सकते हो तो सिक्स लैक्स के ऊपर आप देख लीजिए टैक्स रेट क्या दिया हुआ है एट द रेट ऑफ तो टैक्स रेट भी चेक करना होगा टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट इनकम इज़ थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट तो का रेट अप्लाई करेंगे तो एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट तो एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ़ छः लाख इज़ इक्व टू कितना एक लाख अस्सी हज़ार ये इनकम को हमारा कम कर देगा तो अपने माइनस कर देंगे तो थर्टी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड थर्टी फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड से आप एक लाख अस्सी हज़ार घटा देंगे तो कितना हो गया बत्तीस लाख सत्तर हज़ार थर्टी टू लाख सेवेंटी थाउज़ेंड इज योर एडजस्टेड इनकम थर्टी टू लाख सेवेंटी थाउज़ेंड इज योर एडजस्टेड इनकम तो बत्तीस लाख सत्तर हज़ार आपका एडजस्टेड इनकम है एडजस्टेड इनकम आ गया बत्तीस लाख सत्तर हजार अब हमारा यदि बत्तीस लाख सत्तर हज़ार एडजस्टेड इनकम आ गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर द आपको टू द डिवेंचर होल्डर्स कितना है वो भी लिख लेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशुएबल टू डिवेंचर होल्डर्स इज इक्वस टू है एक लाख डिवेंचर्स का नंबर है और एक को आप देना है कितना दस एक को आप एक के बदले में दस दे रहे हैं तो एक लाख के बदले में कितना देंगे इज इक्व टू टेन लाख शेयर्स तो दस लाख शेयर्स हो गए अभी आपका क्या हो जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा डायल्यूटेड ई पी एस डायल्यूटेड ई पी एस इज इक्व टू तो एडजस्टेड इनकम एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाई आप करना है एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाई आपको किससे करना है तो बोलते हैं एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाई आप करेंगे weighted average number of shares. तो यहाँ पर आपका एडजस्टेड इनकम है कितना तो आपका एडजस्टेड इनकम बत्तीस लाख सत्तर हजार आ गया तो यू शुड राइट बत्तीस लाख सत्तर हजार द होल डिवाइडेड बाई आपको पहले से आपके पास शेयर्स कितना था बीस लाख शेयर्स था तो बीस लाख शेयर्स है और बीस लाख शेयर्स और अभी आपने और दस लाख शेयर इशू कर दिया तो बीस लाख प्लस दस लाख ट्वेंटी लैक्स प्लस टेन लैक्स यानी कि थर्टी लैक्स तो आपको क्या करना है थर्टी लैक्स से पहले कितना था आपका देख लीजिए पिचासी लाख था मैंने अट्ठाईस लाख पचास हज़ार निकाला वही मैं सोच रहा था कि बहुत ज़ोर से फॉल करेगा बापरे तो यहाँ पे क्या होगा चेंज करना पड़ेगा ये है एटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड एटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड मैंने उसको एरर हो गया लाने में एटी फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड छः लाख उसमें ऐड हो गया तो ये एटी फ़ाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड में छः लाख ऐड हो गए तो नाइन्टी वन लाख फिफ्टी थाउज़ेंड नाइन्टी वन लाख फ़िफ्टी थाउज़ेंड आप फ्रेश कट करके बना लीजिए कैलकुलेशन है नाइन्टी वन लाख फिफ्टी थाउज़ेंड और उसे आप क्या करेंगे लेस कर देंगे वन लाख एटी थाउजेंड तो वन एटी आप लेस करेंगे तो क्या आएगा तो नाइन्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस वन लाख एटी थाउजेंड इज इक्वल टू एटी नाइन लाख सेवेंटी थाउजेंड मेरा तो अलर्ट गया जब बहुत ज़ोर से गिर रहा था फिगर इसलिए मेरा दिमाग में गया कि इतना नीचे कैसे हो सकता है सो रिज़ल्टिंग फिगर यहाँ पर आपको क्या करना है एटी नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी लैक्स तो डिवाइडेड बाई थर्टी लैक्स करेंगे तो टू पॉइंट नाइन नाइन तो आपका ये डायलूटिव है तो ये आपका हो गया डायल्यूटेड ई पी एस आप समझ रहे हैं? फाइव मार्क्स के लिए आता है तो आपको ये चीज़ करना है फटाफट से करना है आप देख रहे हैं लेंथ में दिखा रहा हूँ आपको कि सम जब आप करते हो तो स्पीड तो चाहिए ही क्योंकि आपको सात आठ मिनट में मैक्सिमम सेवन एट मिनट्स मिलता है इसको करके आ, सल्टाने के लिए और आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है डेफिनेटली आपको इसमें से पूछना चाहिए बट मैं गारंटी नहीं दे सकता गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारा ए सिलेबस में है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी ए से खाली पूछे बट आपके आगे भी जाते हुए ये काम आएगा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फोर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फ़ाइव देख लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फ़ाइव है कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है पंद्रह सौ शेयर्स है फर्स्ट अगस्त को इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश छः सौ शेयर है बाई बैक ऑफ शेयर्स है पाँच सौ ऐसा तो मैंने क्लास में ही करा दिया था एंड दो लाख पिचहत्तर हज़ार प्रॉफिट है आपका तो आप यहाँ पर वेट तो आप समझ ही रहे हैं कि वेट से मल्टीप्लाई करना है फ़र्स्ट अप्रैल यानी कि ये पंद्रह सौ इसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना हो तो पंद्रह सौ मल्टीप्लाइड बाई कितना बाई कितना बोलो तो फिफ्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई अभी जब तक चेंज ना हो जाए तो अप्रैल में जून जुलाई चार महीना तो यानी फोर बाई ट्वेल्व उसके बाद आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना हो जाएगा तो ये पंद्रह सौ और आपने इशू किया है तो इक्कीस सौ तो यहाँ पर पंद्रह सौ और जुड़ जाएगा और छः सौ इक्कीस सौ के ऊपर आपको कितना बाई कितना करना है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश तो आपको अगस्त से 31 मार्च तक जाना है और लास्ट डेट पर बाईब किया है आप समझ रहे हो ना बाई बैक आपका क्या लास्ट डेट पर है तो आप उसका वेटेड एवरेज में क्या इम्पैक्ट आएगा कुछ नहीं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये एट बाई ट्वेल्व एट बाई ट और इसका क्या हो जाएगा जीरो बाई ट्वेल्व करो क्योंकि ये तो ज़ीरो पीरियड पे खड़ा है तो मतलब जो भी ऐड करके करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो ही होगा उसको कंसिडर नहीं करना है हो गया आपको प्रॉफिट पता है और ये आपको रिजल्ट आ गया तो अभी फटाफट से करेंगे चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव सबसे पहले आप निकालेंगे आ, आ, बेसिक ईपीएस पहले ये लिख देंगे आप बेसिक ईपीएस

या कितना है आप देख लीजिए तो आपको ये जगह छोड़ दीजिए जो पता है वो लिख दीजिए आपको पता है कि अर्निंग कितना है टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो आप दो लाख पिचहत्तर हज़ार लिखेंगे डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स तो आप वर्किंग नोट तो करके यहाँ पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए आप क्या करेंगे चाहे तो टेबल बना लीजिए आपका टेबल वैसे बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा प्रेजेंटेशन भी ठीक दिखेगा एक होगा वेटेड एवरेज नंबर एक हो जाएगा आपका वर्किंग्स एक हो जाएगा पेडअप वैल्यू फेस वैल्यू ठीक है तो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन है नहीं फिर भी अपने कर दिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फटाफट से तो फर्स्ट अप्रैल को आपने इशू किया है तो आप लिखेंगे फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2008, फिर दूसरा डेट लिख दीजिए फर्स्ट अगस्त 2008, फिर तीसरा डेट भी लिख दीजिए थर्टी फर्स्ट मार्च जीरो नाइन फिर आप यहाँ पर फेस वैल्यू लिख देंगे सभी का फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना है नहीं दिया हुआ है तो रेज्यूम करेंगे दस रुपए का शेयर है और फुल्ली पेड अप है तो यहाँ पे दस रुपये का शेयर है फुल्ली अप है पेड अप वैल्यू टेन टेन एज्यूम कर लिए और यहाँ पे वर्किंग कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है वो हम आ, लिख लेते हैं अब तो नंबर ऑफ़ शेयर्स है पंद्रह सौ शेयर्स तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंद्रह सौ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई फोर बाई ट्वेल्व अगले डेट तक जब चेंज हो रहा है तो आपका फिफ्टीन हंड्रेड इंटू फोर बाई ट्वेल्व टू कितना पाँच सौ शेयर ठीक है इसके बाद आपका 2100 सौ शेयर हो जा रहा है 2100 सौ शेयर्स हो रहा है और ये 2100 मतलब कि 1500 प्लस 600 देख लीजिए 600 कौन सा ये वाला ऐड कर दिए तो 2100 सौ शेयर्स इंटू कितना 8 बाई ट्वेल्व तो आप करेंगे 2100 सौ मल्टीप्लाइड बाई एट डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इसी को टू कितना हो गया 1400 1400 ठीक है ना और अभी आपने बाईबैक कर लिया है उसका लास्ट डेट है तो बाईबैक आपने किया है अपने को ये फेस वैल्यू है पी लिख के कोई मतलब नहीं आ रहा था अने को स्टेटस लिख देना चाहिए था इशूड और ये थोड़ा सा कट कर दो बेटा चेंज करो अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर आप लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस या तो फ्रेश बना लो ओपनिंग बैलेंस है ये ये आप लिखेंगे इशूड और ये लिखेंगे आप बाईबैक ठीक है ओपनिंग बैलेंस इशूड एंड बाईबैक तो बाई बैक में आपका अल्टीमेटली आपका कितना शेयर्स है तो बाईबैक आपने कर लिया 500 सौ शेयर्स किया है तो 500 सौ शेयर्स यदि घटा देंगे तो 2100 में से 500 घटा दिए तो 1600 सौ आया लेकिन मंथ टाइम क्या बचा हुआ जीरो बाई ट्वेल्व तो ये आपका क्या होगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा ये जो था आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हो गया तो टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गया आपका कितना 1900 टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गया 1900 तो so, आप 1900 लिख देंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गया तो अब आप उसके नीचे लिखेंगे देयर फोर बेसिक ही पी ऊपर में ही करेंगे तो टू लैख सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइनटीन हंड्रेड उन्नीस सौ नाइनटीन हंड्रेड से डिवाइड कर दो इज इक्व टू कितना आ गया तो टू लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइनटीन हंड्रेड सब हंड्रेड में ही है ना क्योंकि अब इतना बड़ा फिगर आएगा इसलिए हाँ नंबर ऑफ शेयर्स हंड्रेड में ही है तो ये हो जाएगा उन, उन्नीस सौ से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट हो गया वन फोर्टी फ़ोर पॉइंट सेवन थ्री बहुत जोड़ का ई पी एस है इसलिए डाउट हुआ वन फोर्टी फोर पॉइंट सेवन थ्री सेवन फोर कर दो तो वन फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फोर ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे अब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाई लिमिटेड कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर तो बहुत ईजी है आपको ई पी एस सी खाली निकाल देना है और प्रॉफ़िट बिफोर वी आर एस पेमेंट ध्यान देंगे लैंग्वेज पर क्या बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर वी आर एस पेमेंट बट आफ्टर डेप्रीशिएशन दिया सेवेंटी फाइव तो यानी कि आपका यहाँ पर डेप्रशियशन एडजस्ट हो चुका है लेकिन वी का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है और नेचुरल है कि अभी प्रोविज़न फॉर टैक्स और ये सब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भी, भी नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब है हमें डेप्रेशिएशन को कंसिडर नहीं करना है और बाकी सब आइटम्स को हमें कंसिडर इसमें करना है ठीक है तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन जो कि बहुत ईजी है फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स बॉक्स के अंदर सॉल्व करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे प्रॉफिट स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफ़िट जैसे दिया हुआ लैंग्वेज वो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले क्या लिख देना पड़ेगा यहाँ पर तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वही जो लैंग्वेज वहाँ पर दिया हुआ कि प्रॉफ़िट आफ्टर क्या तो आप लिखेंगे इसके अंदर में प्रॉफ़िट बिफोर वी पेमेंट बट आफ्टर डेप्रीशिएशन तो आप लिखेंगे प्रॉफ़िट बिफोर प्रॉफिट बिफोर वी आर एस बट आफ्टर बिफोर वी आर एस आफ्टर डप्रीशन इज़ गिवन है और वो सेवेंटी फ़ाइव करोर्स है तो रुपीज़ इन करोर्स लिख देंगे रुपीज़ इन करोर्स और ये आपका फ़िगर सेवेंटी फाइव करोर्स का है तो आपने यहाँ पे सेवेंटी फ़ाइव करोर्स लिखा उसके नीचे है आपका वी आर एस पेमेंट थर्टी टू पॉइंट वन करोड़ सो आप लिखेंगे लेस वी आर एस पेमेंट और उसका रिजल्ट है थर्टी टू पॉइंट वन करोड़ सो यू शुड डिडक्ट थर्टी टू पॉइंट वन जीरो उसके बाद आपका वी आर एस पेमेंट के बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज दस लाख तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दस करोड़ मैंने दस लाख बोल दिया एंड उसके नीचे है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स फाइव लैक्स सॉरी फिर से फाइव लैक्स बोल दिया फाइव करोड़ तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स फाइव करोड़ और बाकी तो नंबर ऑफ शेयर्स इसे निकल आएगा नाइन्टी थ्री करोड़ का कैपिटल है दस रुपए का है तो डिवाइड कर देंगे तो 9.3 करोड़ शेयर्स है और कुछ चेंजेस तो है नहीं तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स 9.3 रहेगा तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल यहाँ पर आप कर दो और टोटल क्या आ रहा है तो 75 फ़ाइव माइनस थर्टी माइनस टेन और माइनस फाइव इज इक्व टू ट्वेंटी करोड़ तो आपका यहाँ पर 27.9 करोड़ आ गया 27.9 करोड़ आपका प्रॉफिट अवेलेबल हो गया टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ये तो हम लोग ऑलरेडी बोल ही दिए थे हेडिंग में डला हुआ तो दोबारा लिख टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे लिखेंगे आपका आ, अर्निंग पर शेयर इज़ इक्व टू क्या हो जाएगा तो आप लिखेंगे बेसिक ई पी एस बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्व टू अर्निंग अवेलेबल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दीजिए द रिजल्टिंग फिगर इज 27.9 करोड़ आपका प्रॉफिट है दिस डिवाइडेड बाय आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है आपका 9.3 करोड़ शेयर्स तो आप लिखेंगे 9.3 करोड़ शेयर्स ठीक है इजी रहता है करोड़ में करोड़ रखेंगे तो अपने लिए इजी होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर 27.9 डिवाइडेड बाय आपका 9.3, पॉइंट थ्री द रिजल्टिंग फिगर इज थ्री रुपीज तो तीन रुपये आपका बेसिक ई आ गया तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं एकदम इजी है आगे और भी समय है मैं एक और कर देता हूँ सब रिपीट नेचर का आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द आप देख लो राजा लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग फॉर द अकाउंटिंग ईयर नाइन टेन एंड टेन इलेवन दो साल का दिया हुआ है नाइन टेन का प्रॉफिट पच्चीस लाख टेन इलेवन का प्रॉफिट चालीस लाख द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू राइट इशू वाला आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर याद होगा मैंने इसके ऊपर लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लेके कवरेज किया था एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, क्या है राइट right एलिमेंट निकालने के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकलता है, कैसे है तो आपको पहले निकालना पड़ता है थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस और फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाई थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस आपका निकल आता है एडजस्टमेंट फैक्टर जो कि आपका बोनस एलिमेंट को निकाल लेता है तो चलिए ये समझ भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में कवर किए हुए हैं बट फिर भी अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर तो यहाँ पर आपका है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू बारह लाख शेयर्स है वन यहाँ पर राइट इशू कैसे दे रहे हैं वन न्यू शेयर्स फॉर ईच थ्री आउटस्टैंडिंग यानी कि वन इज़ टू थ्री का रेशियो है चार दैट इज़ चार लाख शेयर्स दे रहे हैं कैलकुलेट करके भी दे दिया बारह लाख पर तो आपका वही चार लाख शेयर्स आता है राइट इशू प्राइस दिया हुआ ट्वेंटी टू रुपीज़ का लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट्स तीस जून दे दिया फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्वे शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स ऑन थर्टी जून प् दो हज़ार आठ अट्ठाईस रुपया दिया हुआ है फेयर वैल्यू तो आपका अट्ठाईस रुपया ये डेट ध्यान रखिएगा तीस जून अट्ठाईस रुपया फेयर वैल्यू था बट एक्सरसाइज़ प्राइस बाईस है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर आपको थर्टिकल रेट प्राइस निकालना पड़ेगा यू आ रिक्वायर टू तो कंप्यूटर द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर नाइन टेन टेन इलेवन नाइन टेन का तो पहले एक बार ओरिजिनली रिपोर्टेड आएगा और फिर आप रिवाइज़ भी करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छा ही है आप क्वेश्चन नंबर सेवन कर रहे हो तो आप हेडिंग डाल दिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में आप करोगे सबसे पहले आप लिखोगे अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर ओरिजिनली रिपोर्टेड पहले अपने ईयर डाल देते हैं कि अपने फॉर्मूला पहले लिखते हैं बेसिक ई का तब जाकर बोलेंगे ओरिजिनली कितना है और आपका रिवाइज क्या आया तो सबसे पहले लिखेंगे बेसिक ई पी एस अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा आपका तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वस्ट टू होता है अर्निंग एवेलेबल टू अर्निंग एवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर शॉर्टकट अलाउड है डब्ल्यू एनओ एस चलता है तो एग्जाम तक में आप लिख सकते हैं वेटेड एवरेज न... एक बार लिख कर बाद में ब्रैकेट में डाल देना डब्ल्यू एनओ एस और बाद में डब्ल्यू एन ओ से ही लिख के काम चलाएंगे। अब आपको यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर तो सबसे पहले फॉर द ईयर आप देख लीजिए कौन से ईयर का आपको रिपोर्ट करना है तो फॉर द ईयर नाइन टेन आपको रिपोर्ट करना है तो आप लिखेंगे फॉर ईयर टू फॉर ईयर टू तो नाइन टेन का आपका ये ओरिजिनल वाला जो है वो ओरिजिनली रिपोर्टेड जो है वो आ जाएगा आपका ओरिजिनली रिपोर्टेड तो आपका अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर का देख लीजिए कितना है तो प्रॉफिट है आपका लास्ट ईयर पच्चीस लाख आप लिखोगे पच्चीस लाख और लास्ट ईयर का आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स कोई चेंजेस तो है नहीं तो लास्ट ईयर का आपका नंबर ऑफ शेयर्स बारह लाख है आप बारह लाख लिख दोगे बारह लाख ट्वेल्व लैक्स तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख शेयर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है आप देख लीजिए तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इज इक्वल टू 2.08 2.08 ठीक है ना 25 डिवाइडेड बाय 12 2.08 तो ये हो गया आपका ओरिजिनली रिपोर्टेड दो रुपया आठ पैसा है फॉर द ईयर 19 अभी आपको बेसिक पी इस साल का निकालना है तो सबसे पहले आप इस बार का जो निकालोगे बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर और फिर जाकर आप रिवाइज करोगे नाइन टेन का तो आप लिखेंगे फॉर द ईयर फॉर ईयर टू थाउजेंड टेन इलेवन टू थाउजेंड टेन इलेवन अब इस साल का आपका प्रॉफिट क्या है वो देख लीजिए तो आप प्रॉफिट लिखेंगे चालीस लाख ठीक है ना चालीस लाख इस साल का प्रॉफिट है चालीस लाख तो रुपीज़ फोर्टी लैक्स लेकिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको वर्किंग नोट देखना पड़ेगा तो इसके नीचे आप वर्किंग करोगे तीन चार लाइन छोड़ दीजिए ठीक है ना और तब आप वर्किंग कर रहे हो वर्किंग में आप सबसे पहले क्या निकालोगे तो सबसे पहले आप निकालोगे थर्टी एक्स राइट प्राइस वर्किंग नोट्स और वर्किंग नोट्स में आप निकालोगे थेरेटिकल एक्स राइट्स फेयर वैल्यू थेरेटिकल एक्स राइट्स फेयर वैल्यू तो थेरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू कैसे आता है इज इक्वल टू होगा आपका इज इक्वल टू तो पहले आपका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है बारह लाख बारह लाख मल्टीप्लाइड बाई उसका फेयर वैल्यू आपको पता है कितना रुपया है अट्ठाईस रुपया फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इमीजिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट इज 28 तो आप लिखेंगे 28 प्लस चार लाख शेयर आप इश्यू कर रहे हो अच्छा आपको मैं बता दूं ये सिंटेक्स लिखना पड़ता है एग्जाम में आप फिर भूल जाएंगे नहीं तो आपका पहले मैं लिख दूं सिंटेक्स यहाँ पर होगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू प्लस नंबर ऑफ राइट इश्यूज नंबर ऑफ राइट्स इशू मल्टीप्लाइड बाय राइट इशू प्राइस राइट इशू प्राइस होल डिवाइडेड बाई आपको किससे करना है द होल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इश्यू प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इन राइट इश्यू तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू प्लस नंबर ऑफ़ शेयर्स राइट इशू मल्टीप्लाइड बाय राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू प्लस नंबर ऑफ़ शेयर्स इन राइट इशू सॉरी हाँ तो ये सही है अब आगे आपको इसको सॉल्व करके लिखना है तो ये सॉल्व करेंगे अपना यहाँ पर क्या आता है वो लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पहले था आपका बारह लाख शेयर्स यू शुड राइट 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू आपका है कितना तो फेयर वैल्यू आपका है आ, कितना अट्ठाईस रुपये दिख रहा था हाँ अट्ठाईस रुपये है तो आप लिखेंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस आप राइट इशू दे रहे हैं चार लाख रेशियो है वन एस टू थ्री का तो चार लाख राइट इशू दे रहे हैं तो चार लाख मल्टीप्लाइड बाई राइट इशू प्राइस क्या है तो राइट इशू प्राइस आपका कितना है तो राइट इशू प्राइस आप देख सकते हैं इज इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी टू बोला हुआ है ट्वेंटी टू बाईस रुपये में हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो आपको पता ही है बारह लाख प्लस चार लाख सोलह लाख तो ट्वेल्व लैक्स प्लस फोर लैक्स चलिए निकाल दीजिए थर्टिकल एक्स प्राइस क्या आ गया थर्टिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू क्या आया तो आपका आ जाएगा ऊपर में 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 28 मेमोरी में डाल दिए 33 आ, कितना हो गया तीन करोड़ छत्तीस लाख मेमोरी में पहले से ही कुछ पड़ा हुआ है पहले कैंसिल करके हटाओ 12 लाख ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 28 मेमोरी में डाल दिया प्लस चार लाख मल्टीप्लाइड बाय 22 टू इसे भी मेमोरी में डाल दिया एंड टोटल मेमोरी का वैल्यू हो गया 3.52 बोल रहा है बहुत बड़ा फिगर आ रहा है बोल रहा है कि करोड़ में नहीं लेंगे कैलकुलेटर मना कर रहा है तो एक एक करके लिख दो भैया पहले बारह लाख बारह लाख मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी एट इज़ इक्वल टू हो गया तै फिगर्स हो गया आपका कितना तीन करोड़ छत्तीस लाख ठीक है ना तीन करोड़ छत्तीस लाख भी नहीं तैंतीस करोड़ साठ लाख बाप रे तैतीस करोड़ साठ लाख में दे देता है यार इतना क्या ओपन फिगर लिखना पड़ा 33 करोड़ साठ लाख सही है ना तीन दो पाँच मैंने छः जीरो और ठीक है प्लस ठीक है ना प्लस आपका इधर में है चार लाख इंटू बाईस चार लाख इंटू बाईस ठीक है तो चार लाख इंटू बाईस इज इक्वल्स टू एटी एट लैक्स एटी एट लैक्स ठीक है वहाँ तैंतीस करोड़ कैसे आ गया भाई वो भी तो आश्चर्य लग रहा है बारह लाख है सिर्फ बारह लाख मल्टीप्लाइड बाई अट्ठाईस तैतीन करोड़ छत्तीस लाख एक जीरो ज़्यादा है तीन करोड़ छत्तीस लाख आप तो सही कर रहे हैं ना भाई आप अपना कैलकुलेटर चलाइएगा इज इक्व टू रुपीज़ मैं थक गया लंबा क्लास लेके तो आप नहीं थके होंगे आप ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद ये समझ करिए नहीं तो तीन करोड़ छत्तीस लाख सो तीन करोड़ छत्तीस लाख प्लस अट्ठासी लाख जोड़ दिया तो चार करोड़ चौबीस लाख डिवाइडेड बाई आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी कितना है सोलह लाख तो सोलह लाख से डिवाइड कर दीजिए तो दिस डिवाइडेड बाई सोलह लाख सोलह लाख से अपने डिवाइड कर दिए रिजल्टिंग फिगर ही छब्बीस रुपये पचास पैसा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव ये क्या निकल के आया थेरेटिकल एक्स राइट्स फेयर वैल्यू यानी कि जो दाम चलेगा राइट्स का बेनिफिट निकल जाने के बाद जो बाज़ार में फेयर वैल्यू चलेगा वो है छब्बीस रुपये पचास पैसा या बोनस एलिमेंट एडजस्ट करके बोलो कि ये दाम चलेगा ये आपका इसके बाद आपको निकालना पड़ता है एडजस्टमेंट फैक्टर याद होगा आप इसके बाद निकालते हो एडजस्टमेंट फैक्टर तो यू शुड राइट एडजस्टमेंट फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है तो फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू ठीक है ना बिफोर राइट्स इश्यू डिवाइडेड बाय थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्टिकल एक्स राइट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए तो फेयर वैल्यू इज़ ट्वेंटी एट तो यू शुड राइट रुपीज़ ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई आप करोगे करेंगे रुपीज़ किस से तो, सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव से आप डिवाइड करो तो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव तो एडजस्टमेंट फैक्टर निकल कर आया अट्ठाईस डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव इज इक्व टू कितना वन पॉइंट जीरो फाइव सिक्स सिक्स भाई थोड़ा सा गंदा आ रहा है तो वन पॉइंट वन पॉइंट ज़ीरो फाइव सिक्स सिक्स अब एग्ज़ाम में यदि इतना गंदा लेके करेंगे तो या तो अप्रॉक्सीमेशन कर दो वन पॉइंट जीरो सिक्स कर दो ठीक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं अपने ठीक है ना तो लिख भी देंगे अप्रोक्स बस हो गया अपना काम एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया तो अभी आप क्या करोगे तो आपका करंट ईयर का निकालना है टू का तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा टेन एव इल, इल, का तो फोर्टी लैक्स डिवाइडेड बाई आप देखो कब ये राइट इशू आया तीस जून अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है फर्स्ट अप्रैल से ये एज्यूम करेंगे और थर्टी फर्स्ट मार्च को ख़त्म होता है तो तीस जून यानी कि फर्स्ट तीन महीना निकल गया उसके बाद राइट इशू आया तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्या करोगे पहले बारह लाख था बारह लाख मल्टीप्लाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर वन पॉइंट जीरो सिक्स और ये जो रिज़ल्ट होगा ना दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व बोनस का एफ मतलब राइट इशू में अपने एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टाइम वेट जो होता है ना मतलब जो रेशियो होता है पीरियड का वो पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिए अभी अपने इसके प्लस और क्या करना है तो इसे मेरा वेटेड एवरेज नंबर नहीं आया प्लस इसके बाद आगे क्या है बाद चार लाख शेयर और इशू हो गया तो ये सोलह लाख अब एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से हमारा शेयर इशू हो गया है तो यहां पर 16 लाख मल्टीप्लाईड बाय मैंने क्लास नोट में कवर कराया है कि आप चाहे तो स्प्लिट करके 16 लाख को भी स्प्लिट कर सकते हैं कि 12 लाख में कितना और चार लाख में फिर उसके अंदर में बोनस एलिमेंट वाला कितना तो अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है रिसर्च करना है तो मेरा क्लास को फिर से दोबारा वहाँ पर जाकर सुन लीजिए आपको वहाँ पर आइडिया मिल जाएगा रिसर्च करिएगा और आपको पूरा मैंने इस चीज़ को इलाबोरेट करने में अच्छा खासा टाइम आ, इन्वेस्ट किया है तो सोलह लाख इंटू आपका नाइन बाई ट्वेल्व हो जाएगा तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया चालीस लाख तो सबसे पहले आप 40 लाख ऊपर हैज़ इट इज़ रहने ही दीजिए 40 लैक्स और 40 लैक्स डिवाइडेड बाय नीचे में जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.06 यानी कि हो गया आपका बारह लाख बहत्तर हज़ार और उस इंटू थ्री बाई ट्वेल्व इज़ इक्व टू तीन लाख अठारह हज़ार पहला वाला हो गया थ्री वन एट तीन लाख अठारह हजार प्लस दूसरा वाला है सोलह लाख और इंटू नाइन बाई ट्वेल्व तो पता ही है क्या आएगा बारह लाख आएगा तो आपका रिजल्ट आ गया चालीस लाख चालीस लाख डिवाइडेड बाई आप करेंगे सोलह बारह तीन पंद्रह लाख अठारह हजार पंद्रह लाख अठारह हजार पंद्रह लाख अठारह हजार से डिवाइड कर दिया तो आपका ये 26 पैसा आ गया कितना आ गया 26 पैसा पॉइंट जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स तो ये 26 पैसा आ गया आपका ई अब यदि कंपेयर करते हैं ना कि दो रुपये आठ पैसा से 26 पैसा तो बड़ा ही गंदा दिख रहा है कि कंपनी तो बहुत डूब गया भाई तो इसलिए ये 26 पैसा से कंपेयर नहीं हो सकता ठीक है ना सही है ना रिज़ल्ट एक बार फिर से देख लेते हैं 40 लाख चालीस लाख डिवाइडेड बाई आपका पंद्रह लाख अठारह हजार ठीक है चालीस लाख छब्बीस पैसा क्यों आएगा चालीस लाख चालीस लाख ठीक है डिवाइडेड बाई पंद्रह लाख अठारह हजार पंद्रह लाख अठारह हज़ार में ज़्यादा कर दे रहा हूँ इसीलिए बोले इतना गड़बड़ा दो रुपये तिरसठ पैसा तो आप लिखेंगे टू पॉइंट सिक्स थ्री तो ये आपका दो हज़ार दस ग्यारह का टू पॉइंट सिक्स थ्री तो अभी ग्रोथ दिख रहा है कि टू पॉइंट सिक्स थ्री हुआ बट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है दो रुपये आठ पैसा पहले था अभी टू पॉइंट सिक्स थ्री हो गया तो आपको लग रहा है कि यह नॉर्मल सा ग्रोथ है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनली रिपोर्टेड टू थाउजेंड का था बेसिक ए अभी उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा तो अभी आप लिखेंगे आ, अर्निंग पर शेयर आप लिखेंगे अर्निंग पर शेयर फॉर टू थाउजेंड नाइन टेन रिवाइज अब रिवाइज कैसे निकलेगा आपका तो पिछले साल का इनकम कितना था तो 25 लाख ,00 रुपए डिवाइडेड बाई आपको क्या करना था तो पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आउटस्टेंडिंग था आपको पता ही है 12 लाख ,00 शेयर्स था तो 12 लाख ,00 शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर 1.06 इंटू टाइम वेट बारह बाई बारह कर तो वही रहेगा पच्चीस लाख डिवाइडेड बाई बारह लाख इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स कर दीजिए बारह लाख इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स इज इक्वल टू हो गया बारह लाख ,00 बहत्तर हजार तो ट्वेल्व लाख सेवेंटी टू थाउजेंड से डिवाइड करेंगे लाख लाख से से डिवाइड करेंगे करेंगे तो 25 लाग, 25 लाग 12 तो डिवाइडेड रिजल्टिंग फिगर इज़ यानी आप कंपेयर ना कि से अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है लेकिन जब दो रुपए छह आठ पैसा जो ओरिजिनली रिपोर्टेड है उससे जब हम कंपेयर करते हैं ना इस फिगर से जब कंपेयर करते हैं तो बड़ा ही गंदा रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ लेकिन कंपेयर आपका 2.08 से 2.63 का नहीं होगा कंपेयर होगा 1.96 जो रिवाइज आया इसका और इसका कंपैरिजन होगा कंपैरिजन जो होगा वो इन दोनों का होगा इन दोनों का कंपैरिजन होगा ठीक है ना एनालिसिस इनका होगा कंपैरिजन इसका होगा समझ गए तो अब आपको रिपीट नेचर का ही सम्स है आगे और चार सम्स बचा हुआ है मेरे मैट में वो चार सम्स होप आप कर लेंगे यदि आप डिमांड करेंगे कि सर उसका सॉल्यूशन कर दीजिए तो मैं आगे और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको वो चार सम्स भी भेज दूँगा बट मुझे ऐसा विश्वास है कि वो चार सम्स आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है अब तो मेरा एग्ज़ाम्पल प्लस ये आप कवर कर लिए सो दिस मच इज़ एनफ बट आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे ऐसा मेरा मानना है तो आप बचा हुआ चार सम्स भी करेंगे सो थैंक यू फिर मिलेंगे अगले नए एएस एस के साथ टिल देन जय हिंद